श्रुतायुध को मरा देखकर कौरवों की सारी सेना और उसके नायकों के भी पैर उखड़ गए। इसी समय काम्बोज नरेश का शूरवीर पुत्र सुदक्षिण अर्जुन के सामने आया। अर्जुन ने उसके ऊपर 7 बाण छोड़े। वे उस वीर को घायल करके पृथ्वी में घुस गए। तब सुदक्षिण ने 3 बाणों से श्री कृष्ण को बींधकर 5 बाण अर्जुन पर छोड़े। अर्जुन ने उसका धनुष काटकर ध्वजा भी काट डाली और 2 अत्यंत पैने बाणों से उसे भी घायल कर दिया। तब सुदक्षिण ने अत्यंत कुपित होकर धनंजय के ऊपर एक भयंकर शक्ति छोड़ी। वह उन्हें घायल करके चिंगारियों की वर्षा करती पृथ्वी पर गिर गई। शक्ति की चोट से अर्जुन को गहरी मूर्छा आ गई। चेत होने पर उन्होंने कंक पत्र वाले 14 बाणों से सुदक्षिण को तथा उसके घोड़े, ध्वजा, धनुष और सारथी को भी घायल कर दिया। फिर और भी बहुत से बाण छोड़कर उसके रथ के टुकड़े-टुकड़े कर दिए। इसके पश्चात एक तीखी धार वाले बाण से उन्होंने सुदक्षिण की छाती फाड़ डाली। इससे उसका कवच टूट गया, अंग छिन्न भिन्न हो गए और मुकुट तथा अंगद आदि आभूषण इधर-उधर बिखर गए। फिर एक कर्णी नाम के बाण से उन्होंने उसे भी धराशायी कर दिया। राजन, इस प्रकार वीर श्रुतायुध और सुदक्षिण के मारे जाने पर आपके सैनिक क्रोध में भरकर अर्जुन पर टूट पड़े तथा अभिशाह, शूरसेन, शिबी और बसाती जाति के वीर उन पर बाणों की वर्षा करने लगे। अर्जुन ने अपने बाणों से उनमें से 6,000 योद्धाओं का सफाया कर दिया। तब उन्होंने चारों ओर से अर्जुन को घेर लिया, किंतु वे जैसे-जैसे धनंजय की ओर गए, वैसे ही उन्होंने अपने गांडीव धनुष से छूटे हुए बाणों से उनके सिर और भुजाओं को उड़ा दिया। उनके कटे हुए सिरों से सारी रणभूमि पट गई। जिस समय वीर धनंजय उनका इस प्रकार संहार कर रहे थे, महाबली श्रुतायु और अच्युतायु उनके सामने आकर युद्ध करने लगे। उन दोनों वीरों ने उनकी दाईं और बाईं ओर से बाण बरसाना आरंभ किया और हजारों बाण छोड़कर उन्हें बिल्कुल ढक दिया। इसी समय श्रुतायु ने अत्यंत क्रोध में भरकर अर्जुन पर बड़े जोर से तोमर का वार किया। उससे घायल होकर वे एकदम अचेत हो गए। इतने में ही अच्युतायु ने उनके ऊपर एक अत्यंत तीक्ष्ण त्रिशूल फेंका। उसकी चोट ने अर्जुन के घाव पर नमक का काम किया और वे बहुत घायल हो जाने के कारण अपने रथ की ध्वजा के डंडे का सहारा लेकर बैठे रह गए। तब अर्जुन को मरा हुआ समझकर आपकी सारी सेना में बड़ा कोलाहल होने लगा। अर्जुन को अचेत देखकर श्री कृष्ण बड़े चिंतित हुए और अपनी मधुर वाणी से उन्हें सचेत करने लगे। उससे बल पाकर वे धीरे-धीरे होश में आने लगे। इस प्रकार मानो उनका यह नया जन्म ही हुआ। उन्होंने देखा श्री कृष्ण और उनका रथ बाणों से ढके हुए हैं तथा दोनों शत्रु सामने डटे हुए हैं। बस उन्होंने तुरंत ही इंद्रास्त्र प्रकट किया, उससे हजारों बाण निकलने लगे। उन्होंने उन दोनों वीरों पर वार किया और उनके छोड़े हुए बाण भी अर्जुन के बाणों से विदीर्ण होकर आकाश में उड़ने लगे। बात की बात में उनके बाणों से मस्तक और भुजाएं कट जाने के कारण वे दोनों महारथी धराशायी हो गए। इस प्रकार श्रुतायु और अच्युतायु का वध हुआ देखकर सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। इसके पश्चात अर्जुन उनके अनुयायी 50 रथियों को मारकर और भी अच्छे-अच्छे वीरों का संहार करते कौरवों की सेना की ओर बढ़े। श्रुतायु और अच्युतायु का वध हुआ देखकर उनके पुत्र नियतायु और दीर्घायु क्रोध में भरकर बाणों की वर्षा करते अर्जुन के सामने आए, किंतु अर्जुन ने अत्यंत कुपित होकर अपने बाणों से एक मुहूर्त में ही उन्हें यमराज के पास भेज दिया।
हाथी जिस प्रकार कमल वन को खूंद डालता है, उसी प्रकार महावीर अर्जुन कौरवों की सेना को कुचल रहे थे। उस समय कोई भी क्षत्रिय वीर उन्हें रोक नहीं पाता था। इतने में ही गज सेना के सहित अंगदेशीय, पूर्वीय, दक्षिणात्य और कलिंग देशीय राजाओं ने दुर्योधन की आज्ञा से उन पर आक्रमण किया। किंतु अर्जुन ने गांडीव से छोड़े हुए बाणों से तत्काल ही उनके सिर और भुजाओं को उड़ा दिया। इस युद्ध में अनेकों गजारोही मलेच धनंजय के बाणों से बिंध कर धराशायी हो गए। अर्जुन ने अपने बाण जाल से सारी सेना को आच्छादित कर दिया और मुंडित, अर्धमुंडित, जटाधारी एवं दाढ़ी वाले आचारहीन मलेच्छों को अपने शस्त्र कौशल से काट कूट डाला। उनके बाणों से बिंधकर वे सैकड़ों पर्वतीय योद्धा भयभीत होकर संग्राम भूमि से भाग उठे। इस प्रकार घोड़े, हाथी और रथों के सहित अनेकों वीरों का संहार करते हुए वीर धनंजय रणभूमि में विचर रहे थे। अब राजा अम्बष्ट ने उनकी गति को रोका। अर्जुन ने बड़ी फुर्ती से अपने तीखे बाणों से उसके घोड़ों को मार डाला और धनुष को भी काट गिराया। अम्बष्ट एक भारी गदा लेकर बार-बार अर्जुन और श्री कृष्ण पर चोट करने लगा। तब अर्जुन ने दो बाणों से गदा के सहित उसकी दोनों भुजाएं काट डाली और एक बाण से उसका मस्तक भी उड़ा दिया। इस प्रकार वह मरकर धमाक से पृथ्वी पर जा पड़ा। दुर्योधन के उलाहना देने पर द्रोणाचार्य का उसे अभेद्य कवच पहनाकर अर्जुन के साथ युद्ध करने के लिए भेजना। संजय ने कहा, राजन, इस प्रकार जब अर्जुन सिंधुराज जयद्रथ का वध करने की इच्छा से द्रोणाचार्य और कृतवर्मा की सेनाओं को चीरकर व्यूह में घुस गए तथा उनके हाथ से सुदक्षिण और श्रुतायु का वध हो गया, तो अपनी सेना को भागती देखकर आपका पुत्र दुर्योधन अकेला ही अपने रथ पर चढ़ा हुआ बड़ी फुर्ती से द्रोणाचार्य के पास आया और कहने लगा, आचार्य, अर्जुन हमारी इस विशाल वाहिनी को कुचलकर भीतर घुस गया है। अब आप विचार करें कि हमें उसके नाश के लिए क्या करना चाहिए। हमें तो आपका ही सबसे बढ़कर भरोसा है। आग जिस प्रकार घास फूस को जला डालती है, उसी प्रकार अर्जुन हमारी सेना का संहार कर रहा है। इस समय जयद्रथ की रक्षा करने वाले बड़े संदेह में पड़ गए हैं। हमारे पक्ष के राजाओं को पूरा विश्वास था कि अर्जुन जीते जी आपको लांघकर सेना में घुस नहीं सकेगा, परंतु मैं देखता हूँ वह आपके सामने ही व्यूह में घुस गया है। आज मुझे अपनी सारी सेना विकल और विनष्ट सी जान पड़ती है। सिंधुराज तो अपने घर को जा रहे थे। यदि आप मुझे यह वर न देते कि मैं अर्जुन को रोक लूँगा, तो मैं उन्हें कभी न रोकता। मैंने मूर्खता से आपकी रक्षा में विश्वास करके सिंधुराज को भी समझा बुझा दिया। मेरा विश्वास है कि मनुष्य यमराज की डाढ़ों में पड़कर भले ही बच जाए, किंतु रणभूमि में अर्जुन की हाथ में आकर जयद्रथ के प्राण किसी प्रकार बच नहीं सकते। अतः अब आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे सिंधुराज की रक्षा हो सके। मैंने घबराहट में कुछ अनुचित कह दिया हो तो उससे कुपित न होकर आप किसी प्रकार इन्हें बचाइए। द्रोणाचार्य ने कहा, राजन, मैं तुम्हारी बात को बुरा नहीं मानता। मेरे लिए तुम अश्वत्थामा के समान हो, किंतु जो सच्ची बात है वह मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण है और उनके घोड़े भी बड़े तेज हैं, इसलिए थोड़ा सा रास्ता मिलने पर भी वे तत्काल घुस जाते हैं। मैंने सभी धनुर्धरों के सामने युधिष्ठिर को पकड़ने की प्रतिज्ञा की थी। इस समय अर्जुन उनके पास नहीं है और वे अपनी सेना के आगे खड़े हुए हैं, इसलिए अब मैं व्यूह के द्वार को छोड़कर
अर्जुन से लड़ने के लिए नहीं जाऊंगा। तुम कुल और पराक्रम में अर्जुन के समान ही हो और इस पृथ्वी के स्वामी हो। इसलिए अपने सहायकों को लेकर तुम अकेले अर्जुन से युद्ध करो। किसी बात का भय मत मानो। दुर्योधन ने कहा, आचार्य चरण, जो आपको भी लांघ गया, उस अर्जुन को मैं कैसे रोक सकूंगा? वह तो सभी शस्त्रधारियों में बढ़ा चढ़ा है। मेरे विचार से संग्राम में वज्रधर इंद्र को जीत लेना तो आसान है, किंतु अर्जुन से पार पाना सहज नहीं है। जिसने कृतवर्मा और आपको भी परास्त कर दिया, श्रुतायुध, सुदक्षिण, अम्बष्ठ, श्रुतायु और अच्युतायु को नष्ट कर डाला और सहस्त्रों मलेच्छों का संहार कर दिया, उस शस्त्र कुशल दुर्जय वीर अर्जुन के मुकाबले में मैं कैसे युद्ध कर सकूंगा? द्रोणाचार्य बोले, गुरुराज, तुम ठीक कहते हो। अर्जुन अवश्य दुर्जय है, किंतु मैं एक ऐसा उपाय किए देता हूँ जिससे तुम उसकी टक्कर झेल सकोगे। आज श्री कृष्ण के सामने ही तुम अर्जुन से युद्ध करोगे। इस अद्भुत प्रसंग को आज सभी वीर देखेंगे। मैं तुम्हारे इस सुवर्ण के कवच को इस प्रकार बांध दूंगा कि जिससे बाण या दूसरे प्रकार के अस्त्रों का तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं होगा। यदि मनुष्यों के सहित देवता, असुर, यक्ष, नाग, राक्षस और तीनों लोग भी तुमसे युद्ध करने के लिए सामने आएंगे, तो भी तुम्हें कोई भय नहीं होगा। इसलिए इस कवच को धारण करके तुम स्वयं ही क्रोधातुर अर्जुन के साथ युद्ध करने के लिए जाओ। ऐसा कहकर आचार्य ने तुरंत ही आचमन कर शास्त्र विधि से मंत्रोच्चारण करते हुए दुर्योधन को वह चमचमाता हुआ कवच दिया और कहा, परमात्मा, ब्रह्मा और ब्राह्मण तुम्हारा कल्याण करें। इसके बाद वे फिर कहने लगे, भगवान शंकर ने यह मंत्र और कवच इंद्र को दिया था, इसी से उन्होंने संग्राम में वृत्रासुर का वध किया था। फिर इंद्र ने यह मंत्रमय कवच अंगीरा जी को दिया, अंगीरा ने इसे अपने पुत्र बृहस्पति को और बृहस्पति जी ने अग्निवैश्य को बताया। अग्निवैश्य जी ने यह कवच मुझे दिया था, सो आज मैं तुम्हारे शरीर की रक्षा के लिए मंत्रोच्चारण पूर्वक तुम्हें पहनाता हूँ। आचार्य द्रोण के हाथ से इस प्रकार युद्ध के लिए तैयार हो राजा दुर्योधन त्रिगर्त देश के सहस्त्रों रथी और अनेकों अन्य महारथियों को साथ ले बाजे गाजे के साथ अर्जुन की ओर चला। द्रोणाचार्य के साथ धृष्टद्युमन और सात्यकी का घोर युद्ध। संजय ने कहा, राजन, जब अर्जुन और श्री कृष्ण कौरवों की सेना में घुस गए और उनके पीछे दुर्योधन भी चला गया, तो पांडवों ने सोमक वीरों को साथ ले बड़ा कोलाहल करते हुए द्रोणाचार्य पर धावा बोल दिया। बस दोनों ओर से बड़ी घमासान लड़ाई छिड़ गई। उस समय जैसा युद्ध हुआ वैसा हमने न तो कभी देखा है और न सुना ही। धृष्टद्युमन और पांडव लोग बार-बार आचार्य पर प्रहार कर रहे थे और जिस प्रकार आचार्य उन पर बाणों की वर्षा करते थे उसी प्रकार धृष्टद्युमन ने भी बाणों की झड़ी लगा दी थी। द्रोण पांडवों की जिस-जिस रथ सेना पर बाण छोड़ते थे उसी-उसी की ओर से बाण बरसाकर धृष्टद्युमन उन्हें हटा देता था। इस प्रकार बहुत प्रयत्न करने पर भी धृष्टद्युमन से सामना होने पर उनकी सेना के तीन भाग हो गए। पांडवों की मार से घबराकर कुछ योद्धा तो कृतवर्मा की सेना में जा मिले, कुछ जलसंध की ओर चले गए और कुछ द्रोणाचार्य जी के पास ही रहे। महारथी द्रोण तो अपनी सेना को संगठित करने का प्रयत्न करते थे, किंतु धृष्टद्युमन उसे बार-बार कुचल रहा था। अंत में आपकी सेना उसी प्रकार छिन्न-भिन्न हो गई जैसे दुष्ट राजा का देश दुर्भिक्ष, महामारी और लुटेरों के कारण उजड़ जाता है। इस प्रकार जब पांडवों की मार से सेना के तीन भाग हो गए,
तो आचार्य क्रोध में भरकर अपने बाणों से पांचालों को घायल करने लगे। इस समय उनका स्वरूप प्रज्वलित प्रलय अग्नि के समान भयानक हो गया। आचार्य के बाणों से संतप्त होकर धृष्टद्युमन की सेना घाम से तपी हुई सी होकर इधर उधर भटकने लगी। इस प्रकार द्रोणाचार्य और धृष्टद्युमन के बाणों से व्यथित होने के कारण दोनों ओर के वीर प्राणों की आशा छोड़कर सब ओर पूरी शक्ति लगाकर युद्ध करने लगे। इसी समय कुंती नंदन भीमसेन को विविंशति, चित्रसेन और विकर्ण इन तीनों भाइयों ने घेर लिया। शिबी के पुत्र राजा गोवाशन ने 1000 योद्धाओं को साथ में लेकर काशी राज अभिभू के पुत्र पराक्रांत को रोक दिया। मद्र राज राजा शल्य ने महाराज युधिष्ठिर का सामना किया। दुशासन क्रोध में भरकर सात्यकी पर टूट पड़ा। मैंने अपनी 400 वीरों की सेना लेकर चेकीतान की प्रगति रोक दी। शकुनी ने 700 गांधार देशीय योद्धाओं के साथ नकुल का मुकाबला किया। अवंती देशीय विंद और अनुविंद मत्स्यराज विराट के सामने आकर डट गए। महाराज बहलीत ने शिखंडी को रोका। अवंती नरेश ने प्रभद्रक और 100 वीरों को साथ लेकर धृष्टद्युमन का सामना किया तथा क्रूरकर्मा राक्षस घटोत्कच पर अलायुद्ध ने चढ़ाई कर दी। महाराज इस समय सिंधु राज जयद्रथ सारी सेना के पीछे था और कृपाचार्य आदि महान धनुर्धर उसकी रक्षा के लिए तैनात थे। उसकी दाहिनी ओर अश्वत्थामा और बाईं ओर कर्ण थे तथा भूरी श्रवा आदि उसके पृष्ठ रक्षक थे। इनके सिवा कृपाचार्य, वृषसेन, शल और शल्य आदि अनेकों रण बांकुरे वीर भी उसी की रक्षा के लिए युद्ध कर रहे थे। व्यूह के मुहाने पर उक्त वीरों का द्वंद युद्ध होने लगा। माद्री पुत्र नकुल और सहदेव ने बाणों की वर्षा करके अपने प्रति वैर भाव रखने वाले शकुनी का नाक में दम कर दिया। उस समय उसे कुछ भी उपाय न सूझ पड़ता था। वह सारा पराक्रम खो बैठा था। जब बाणों की चोट से वह बहुत ही तंग आ गया तो बड़ी तेजी से अपने घोड़ों को बढ़ाकर द्रोणाचार्य जी की सेना में जा मिला। इस समय धृष्टद्युमन के साथ लड़ते हुए महाबली द्रोणाचार्य जी ने जैसी बाण वर्षा की वह बड़ी ही अचंभे में डालने वाली थी। द्रोण और धृष्टद्युमन दोनों ने ही अनेकों वीरों के सिर उड़ा दिए। जब धृष्टद्युमन ने देखा कि आचार्य बहुत समीप आ गए हैं तो उसने धनुष रखकर हाथ में ढाल तलवार ले लिए और उनका वध करने के लिए वह अपने रथ के जुए से उनके रथ पर कूद गया। आचार्य ने 100 बाण मारकर उसकी ढाल को और 10 बाणों से उसकी तलवार को काट कूट डाला। फिर 64 बाणों से उसके घोड़ों का काम तमाम कर दिया तथा 2 बाणों से ध्वजा और छत्र काट कर उसके पार्श्व रक्षकों को भी धराशायी कर दिया। इसके पश्चात उन्होंने धनुष को कान तक खींचकर धृष्टद्युमन पर एक प्राणांतक बाण छोड़ा, किंतु सात्यकी ने 14 तीखे बाणों से उसे बीच में ही काट डाला और आचार्य के चंगुल में फंसे हुए धृष्टद्युमन को बचा लिया। इस प्रकार जब द्रोण के मुकाबले पर सात्यकी आ गया तो पांचाल वीर धृष्टद्युमन को रथ में चढ़ाकर तुरंत ही दूर ले गए। अब आचार्य ने सात्यकी के ऊपर बाण बरसाना आरंभ किया। सात्यकी के घोड़े भी बड़ी फुर्ती से द्रोण के सामने आकर डट गए। तब वे दोनों वीर परस्पर हजारों बाण छोड़ते हुए घोर युद्ध करने लगे। उन दोनों ने आकाश में बाणों का जाल सा फैला दिया और 10 दिशाओं को बाणों से व्याप्त कर दिया। बाणों का जाल फैल जाने से सब ओर घोर अंधकार छा गया तथा सूर्य का प्रकाश और वायु का चलना भी बंद हो गया। दोनों के शरीर खून में लथपथ हो गए। उनके छत्र और ध्वजाएं कटकर गिर गईं। वे दोनों ही
प्राणांतक बाणों का प्रयोग कर रहे थे। उस समय हमारे और राजा युधिष्ठिर के पक्ष के वीर खड़े-खड़े द्रोण और सात्यकी का संग्राम देख रहे थे। विमानों पर चढ़े हुए ब्रह्मा और चंद्रमा आदि देवता तथा सिद्ध, चारण, विद्याधर और नागगण भी उन पुरुष सिंहों के आगे बढ़ने, पीछे हटने तथा तरह-तरह के शस्त्र संचालन के कौशल को देखकर बड़े आश्चर्य में पड़े हुए थे। इस प्रकार वे दोनों वीर अपने-अपने हाथ की सफाई दिखाते हुए एक दूसरे को बाणों से बींध रहे थे। इतने में ही सात्यकी ने अपने सुदृढ़ बाणों से आचार्य के धनुष बाण काट डाले। क्षण भर में ही द्रोण ने दूसरा धनुष चढ़ाया, किंतु सात्यकी ने उसे भी काट डाला। इसी प्रकार द्रोण जो-जो धनुष चढ़ाते गए, सात्यकी उसी को काटता गया। इस तरह उसने उनके 100 धनुष काट डाले। यह काम इतनी सफाई से हुआ कि आचार्य कब धनुष चढ़ाते हैं तथा सात्यकी कब उसे काट डालता है, यह किसी को जान ही नहीं पड़ता था। सात्यकी का यह अति मानुष कर्म देखकर द्रोण ने मन ही मन विचार किया कि जो अस्त्र बल परशुराम, कार्तवीर्य, अर्जुन और भीष्म में है, वही सात्यकी में भी है। इसके बाद द्रोणाचार्य ने एक नया धनुष लिया और उस पर कई अस्त्र चढ़ाए, किंतु सात्यकी ने अपने अस्त्र कौशल से उन सब अस्त्रों को काट डाला और आचार्य पर तीखे बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। इससे सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अंत में आचार्य ने अत्यंत कुपित होकर सात्यकी का संहार करने के लिए दिव्य आग्नेय अस्त्र छोड़ा। यह देखकर सात्यकी ने दिव्य वारुणास्त्र का प्रयोग किया। उस समय दोनों वीरों को दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करते देखकर बड़ा हाहाकार होने लगा। यहां तक कि आकाश में पक्षियों का उड़ना भी बंद हो गया। तब राजा युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल और सहदेव सब ओर से सात्यकी की रक्षा करने लगे तथा धृष्टद्युम्न आदि के साथ राजा विराट और कैकेयी नरेश, मत्स्य और शाल्वदेशीय सेनाओं को लेकर द्रोण के सामने आकर डट गए। दूसरी ओर दुशासन के नेतृत्व में हजारों राजकुमार द्रोण को शत्रुओं से घिरा देखकर उनकी सहायता के लिए आ गए। बस दोनों ओर के वीरों में बड़ा तुमुल युद्ध छिड़ गया। उस समय धूल और बाणों की वर्षा के कारण कुछ भी दिखाई नहीं देता था, इसलिए वह युद्ध मर्यादाहीन हो गया। उसमें अपने या पराये पक्ष का भी ज्ञान नहीं रहा। विंद, अनुविंद का वध तथा कौरव सेना के बीच में श्री कृष्ण की अश्वचर्या। संजय ने कहा, राजन, अब सूर्य नारायण ढल चुके थे। कौरव पक्ष के योद्धाओं में से कोई तो युद्ध के मैदान में डटे हुए थे, कोई लौट आए थे और कोई पीठ दिखाकर भाग रहे थे। इस प्रकार धीरे-धीरे वह दिन बीत रहा था, किंतु अर्जुन और श्री कृष्ण बराबर जयद्रथ की ओर ही बढ़ रहे थे। अर्जुन अपने बाणों से रथ के जाने योग्य रास्ता बना लेते थे और श्री कृष्ण उसी से बढ़ते चले जा रहे थे। राजन, अर्जुन का रथ जिस-जिस ओर जाता था, उसी-उसी ओर आपकी सेना में दरार पड़ जाती थी। उनके बांस और लोहे के बाण अनेकों शत्रुओं का संहार करते हुए उनका रक्तपान कर रहे थे। वे रथ से एक कोस तक शत्रुओं का सफाया कर देते थे। अर्जुन का रथ बड़ी तेजी से चल रहा था। उस समय उसने सूर्य, इंद्र, रुद्र और कुबेर के रथों को भी मात कर दिया था। जिस समय वह रथ रथियों की सेना के बीच में पहुंचा, उसके घोड़े भूख प्यास से व्याकुल हो उठे और बड़ी कठिनता से रथ खींचने लगे। उन्हें पर्वत के समान सहस्त्रों मरे हुए हाथी, घोड़े, मनुष्य और रथों के ऊपर होकर अपना मार्ग निकालना पड़ता था। इसी समय अवंती देश के दोनों राजकुमार अपनी सेना के सहित अर्जुन के सामने आ डटे।
उन्होंने बड़े उल्लास में भरकर अर्जुन को 64, श्री कृष्ण को 70 और घोड़ों को 100 बाणों से घायल कर दिया। तब अर्जुन ने कुपित होकर 9 बाणों से उनके मर्म स्थानों को बींध दिया तथा 2 बाणों से उनके धनुष और ध्वजाओं को भी काट डाला। वे दूसरे धनुष लेकर अत्यंत क्रोध पूर्वक अर्जुन पर बाण बरसाने लगे। अर्जुन ने तुरंत ही फिर उनके धनुष काट डाले तथा और बाण छोड़कर उनके घोड़े, सारथी, पार्श्व रक्षक और कई साथियों को मार डाला। फिर उन्होंने एक शूरप्र बाण से बड़े भाई विंद का सिर काट डाला और वह मरकर पृथ्वी पर जा पड़ा। विंद को मरा देखकर महाबली अनुविंद हाथ में गदा लेकर रथ से कूद पड़ा और अपने भाई की मृत्यु का स्मरण करते हुए उससे श्री कृष्ण के ललाट पर चोट की, किंतु श्री कृष्ण उससे तनिक भी विचलित न हुए। अर्जुन ने तुरंत ही 6 बाणों से उसके हाथ, पैर, सिर और गर्दन काट डाले और वह पर्वत शिखर के समान पृथ्वी पर गिर गया। विंद और अनुविंद को मरा देखकर उनके साथी अत्यंत कुपित होकर सहस्त्रों बाण बरसाते अर्जुन की ओर दौड़े। अर्जुन ने बड़ी फुर्ती से अपने बाणों द्वारा उनका सफाया कर दिया और वे आगे बढ़े। फिर उन्होंने धीरे-धीरे श्री कृष्ण से कहा, घोड़े बाणों से बहुत व्यथित हो रहे हैं और बहुत थक गए हैं। जयद्रथ भी अभी दूर है। ऐसी स्थिति में इस समय आपको क्या करना उचित जान पड़ता है? मेरे विचार से जो बात ठीक जान पड़ती है, वह मैं कहता हूँ। सुनिए, आप मजे से घोड़ों को छोड़ दीजिए और इनके बाण निकाल दीजिए। अर्जुन के इस प्रकार कहने पर श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, तुम जैसा कहते हो, मेरा भी यही विचार है। अर्जुन ने कहा, केशव, मैं कौरवों की सारी सेना को रोके रहूंगा। इस बीच में आप यथावत सब काम कर लें। ऐसा कहकर अर्जुन रथ से उतर पड़े और बड़ी सावधानी से धनुष लेकर पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े हो गए। इस समय विद्याभिलाषी क्षत्रिय उन्हें पृथ्वी पर खड़ा देखकर अब अच्छा मौका है, इस प्रकार चिल्लाते हुए उनकी ओर दौड़े। उन्होंने बड़ी भारी रथ सेना के द्वारा अकेले अर्जुन को घेर लिया। उन्होंने अपने धनुष चढ़ाकर तरह-तरह के शस्त्र और बाणों से उन्हें ढक दिया, किंतु वीर अर्जुन ने अपने अस्त्रों से उनके अस्त्रों को सब ओर से रोककर उन सभी को अनेकों बाणों से आच्छादित कर दिया। कौरवों की असंख्य सेना अपार समुद्र के समान थी। उसमें बाण रूप तरंगे और ध्वजा रूप भवरे पड़ रही थी। हाथी रूप नाग तैर रहे थे, पदाती रूप मछलियां कलोल कर रही थी तथा शंख और दुंदुभियों की ध्वनि उसकी गर्जना थी। अगणित रथावली उसकी अनंत तरंग माला थी। पगड़ियां कछुए थे, छत्र और पताकाएं फेन थे और हाथियों के शरीर मानो शिलाएं थी। अर्जुन ने तट रूप होकर उसे अपने बाणों से रोक रखा था। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, जब अर्जुन और श्री कृष्ण पृथ्वी पर खड़े हुए थे तो ऐसा अवसर पाकर भी कौरव लोग अर्जुन को क्यों नहीं मार सके? संजय ने कहा, राजन, जिस प्रकार लोभ अकेला ही सारे गुणों को रोक देता है, उसी प्रकार अर्जुन ने पृथ्वी पर खड़े होने पर भी रथों पर चढ़े हुए समस्त राजाओं को रोक रखा था। इसी समय श्री कृष्ण ने घबराकर अपने प्रिय सखा अर्जुन से कहा, अर्जुन, यहां रणभूमि में कोई अच्छा जलाशय नहीं है, तुम्हारे घोड़े पानी पीना चाहते हैं। इस पर अर्जुन ने तुरंत ही अस्त्र द्वारा पृथ्वी को फोड़कर घोड़ों के पानी पीने योग्य एक सुंदर सरोवर बना दिया। यह सरोवर बहुत विस्तृत और स्वच्छ जल से भरा हुआ था। एक क्षण में ही तैयार किए हुए उस सरोवर को देखने के लिए वहां नारद मुनि भी पधारे। इसमें अद्भुत कर्म करने वाले अर्जुन ने एक बाणों का घर बना दिया।
जिसके खंबे बांस और छत बाणों के ही थे। उसे देखकर श्री कृष्ण हंसे और बोले, खूब बनाया। इसके बाद वे तुरंत ही रथ से कूद पड़े और उन्होंने बाणों से बिंधे हुए घोड़ों को खोल दिया। अर्जुन का यह अभूतपूर्व पराक्रम देखकर सिद्ध, चारण और सैनिक लोग वाह वाह की ध्वनि करने लगे। सबसे बढ़कर आश्चर्य की बात यह हुई कि बड़े-बड़े महारथी भी पैदल अर्जुन से युद्ध करने पर भी उन्हें पीछे न हटा सके। कमल नयन श्री कृष्ण मानो स्त्रियों के बीच में खड़े हो इस प्रकार मुस्कुराते हुए घोड़ों को अर्जुन के बनाए हुए बाणों के घर में ले गए और आपके सब सैनिकों के सामने ही निर्भय होकर उन्हें लिटाने लगे। वे अश्वचर्या में उस्ताद तो है ही, थोड़ी ही देर में उन्होंने घोड़ों के श्रम, गलानी, कंप और घावों को दूर कर दिया तथा अपने कर कमलों से उनके बाण निकालकर मालिश करके और पृथ्वी पर लिटाकर उन्हें जल पिलाया। इस प्रकार जब वे नहाकर, जल पीकर और घास खाकर ताजे हो गए तो उन्हें फिर रथ में जोत दिया। इसके बाद वे अर्जुन के साथ फिर उस रथ पर चढ़कर बड़ी तेजी से चले। इस समय आपके पक्ष के योद्धा कहने लगे, अहो, श्री कृष्ण और अर्जुन हमारे रहते निकल गए और हम उनका कुछ भी न बिगाड़ सके। हमें धिक्कार है, धिक्कार है। बालक जैसे खिलौनों की परवाह नहीं करता, उसी प्रकार वे एक ही रथ में चढ़कर हमारी सेना को कुछ भी न समझकर आगे बढ़ गए। उनका ऐसा अद्भुत पराक्रम देखकर उनमें से कोई-कोई राजा कहने लगे, अकेले दुर्योधन के अपराध से ही सारी सेना, राजा धृतराष्ट्र और संपूर्ण भूमंडल नाश की ओर बढ़ रहे हैं, किंतु राजा धृतराष्ट्र की समझ में यह बात अभी तक नहीं बैठती। कौरव पक्ष के वीर जब इस प्रकार बातें कर रहे थे तो सूर्य नारायण अस्ताचल की ओर ढल चुके थे। इसलिए अर्जुन बड़ी तेजी से जयद्रथ की ओर बढ़ रहे थे। कोई भी योद्धा उन्हें रोक नहीं पाता था। उन्होंने सारी सेना के पैर उखाड़ दिए थे। श्री कृष्ण सेना को रोंदते हुए बड़ी तेजी से घोड़ों को हांक रहे थे और अपने पांचजन्य शंख की ध्वनि करते जाते थे। यह देखकर शत्रु पक्ष के रथी बहुत उदास हो गए। धूल के कारण इस समय सूर्य देव भी बहुत ढक गए थे और बाणों से व्यथित होने के कारण सैनिक लोग श्री कृष्ण और अर्जुन की ओर देख भी नहीं पाते थे। अर्जुन का दुर्योधन तथा अश्वत्थामा आदि आठ महारथियों से संग्राम। संजय ने कहा, राजन, अब श्री कृष्ण और अर्जुन निर्भय होकर आपस में जयद्रथ का वध करने की बात करने लगे। उन्हें सुनकर शत्रु बहुत भयभीत हो गए। वे दोनों आपस में कह रहे थे, जयद्रथ को छह महारथी कौरवों ने अपने बीच में कर लिया है, किंतु एक बार उस पर दृष्टि पड़ गई तो वह हमारे हाथ से छूटकर नहीं जा सकेगा। यदि देवताओं के सहित स्वयं इंद्र भी उसकी रक्षा करेंगे तो भी हम उसे मारकर ही छोड़ेंगे। इस समय उन दोनों के मुख की कांति देखकर आपके पक्ष के वीर यही समझने लगे कि ये अवश्य जयद्रथ का वध कर देंगे। इसी समय श्री कृष्ण और अर्जुन ने सिंधुराज को देखकर हर्ष से बड़ी गर्जना की। उन्हें बढ़ते देखकर आपका पुत्र दुर्योधन जयद्रथ की रक्षा के लिए उनके आगे होकर निकल गया। आचार्य द्रोण उसे कवच बांध चुके थे, अतः वह अकेला ही रथ पर चढ़कर संग्राम भूमि में आ कूदा। जिस समय आपका पुत्र अर्जुन को लांघकर आगे बढ़ा, आपकी सारी सेना में खुशी से बाजे बजने लगे। तब श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, देखो, आज दुर्योधन हमसे भी आगे बढ़ गया है। मुझे यह बड़ी अद्भुत बात जान पड़ती है। मालूम होता है इसके समान कोई दूसरा रथी नहीं है। अब समय अनुसार उसके साथ युद्ध करना मैं उचित ही समझता हूँ।
आज यह तुम्हारा लक्ष्य बना है, इसे तुम अपनी सफलता ही समझो, नहीं तो यह राज्य का लोभी तुम्हारे साथ संग्राम करके मरने के लिए क्यों आता? आज सौभाग्य से ही यह तुम्हारे बाणों का विषय बना है, इसलिए तुम ऐसा करो जिससे यह शीघ्र ही अपने प्राण त्याग दे। पार्थ, तुम्हारा सामना तो देवता, असुर और मनुष्यों के सहित तीनों लोग भी नहीं कर सकते, फिर इस अकेले दुर्योधन की तो बात ही क्या है? यह सुनकर अर्जुन ने कहा, ठीक है, यदि इस समय मुझे यह काम करना ही चाहिए, तो आप और सब काम छोड़कर दुर्योधन की ओर ही चलिए। इस प्रकार आपस में बातें करते हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने प्रसन्न होकर राजा दुर्योधन के पास पहुंचने के लिए अपने सफेद घोड़े बढ़ाए। इस महासंकट के समय भी दुर्योधन डरा नहीं, उसने उन्हें अपने सामने आने पर रोक दिया। यह देखकर उसके पक्ष के सभी क्षत्रिय उसकी बड़ाई करने लगे। राजा को संग्राम भूमि में लड़ते देखकर आपकी सारी सेना में बड़ा कोलाहल होने लगा। इससे अर्जुन का क्रोध बहुत बढ़ गया। तब दुर्योधन ने हंसते हुए उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। श्री कृष्ण और अर्जुन भी उल्लास में भरकर गरजने और अपने शंख बजाने लगे। उन्हें प्रसन्न देखकर सभी कौरव दुर्योधन के जीवन के विषय में निराश हो गए और अत्यंत भयभीत होकर कहने लगे, हाय, महाराज मौत के पंजे में जा पड़े। उनका कोलाहल सुनकर दुर्योधन ने कहा, डरो मत, मैं अभी श्री कृष्ण और अर्जुन को मृत्यु के पास भेजे देता हूँ। ऐसा कहकर उसने तीन तीखे तीरों से अर्जुन पर वार किया और चार बाणों से उनके चारों घोड़ों को बींध दिया। फिर 10 बाण श्री कृष्ण की छाती में मारे और एक भल्ल से उनके कोड़े को काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। इस पर अर्जुन ने बड़ी सावधानी से उस पर 14 बाण छोड़े, किंतु वे उसके कवच से टकराकर पृथ्वी पर गिर गए। उन्हें निष्फल हुआ देखकर उन्होंने फिर 14 बाण छोड़े, किंतु वे भी दुर्योधन के कवच से लगकर जमीन पर जा पड़े। यह देखकर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, आज तो मैं यह अनोखी बात देख रहा हूँ। देखो, तुम्हारे बाण शिला पर छोड़े हुए तीरों के समान कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। पार्थ, तुम्हारे बाण तो वज्रपात के समान भयंकर और शत्रु के शरीर में घुस जाने वाले होते हैं, परंतु यह कैसी विडंबना है, आज इनसे कुछ भी काम नहीं हो रहा है। अर्जुन ने कहा, श्री कृष्ण, मालूम होता है दुर्योधन को ऐसी शक्ति आचार्य द्रोण ने दी है, इसके कवच धारण करने की जो शैली है वह मेरे अस्त्रों के लिए भी अभेद्य है। इसके कवच में तीनों लोकों की शक्ति समाई हुई है, इसे एकमात्र आचार्य ही जानते हैं या उनकी कृपा से मुझे इसका ज्ञान है। इस कवच को बाणों द्वारा किसी प्रकार नहीं भेदा जा सकता, यही नहीं, अपने वज्र द्वारा स्वयं इंद्र भी इसे नहीं काट सकते। कृष्ण, यह सब रहस्य जानते तो आप भी हैं, फिर इस प्रकार प्रश्न करके मुझे मोह में क्यों डालते हैं? तीनों लोकों में जो कुछ हो चुका है, जो होता है और जो होगा, वह सभी कुछ आपको विदित है। आपके समान इन सब बातों को जानने वाला कोई नहीं है। यह ठीक है, दुर्योधन आचार्य के पहनाए हुए कवच को धारण करके इस समय निर्भय हुआ खड़ा है, किंतु अब आप मेरे धनुष और भुजाओं के पराक्रम को भी देखें। मैं कवच से सुरक्षित होने पर भी आज इसे परास्त कर दूंगा। ऐसा कहकर अर्जुन ने कवच को तोड़ने वाले मानवा अस्त्र से अभिमंत्रित करके अनेकों बाण चढ़ाए, किंतु अश्वत्थामा ने सब प्रकार के अस्त्रों को काट देने वाले बाणों से उन्हें धनुष के ऊपर ही काट दिया। यह देख अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, जनार्दन, इस अस्त्र का मैं दोबारा उपयोग नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करने पर यह अस्त्र मेरा
और मेरी सेना का ही संहार कर डालेगा। इतने में दुर्योधन ने 9-9 बाणों से अर्जुन और श्री कृष्ण को घायल कर दिया तथा उन पर और भी अनेकों बाणों की वर्षा करने लगा। उसकी भीषण बाण वर्षा देखकर आपके पक्ष के वीर बड़े प्रसन्न हुए और बाजों की ध्वनि करते हुए सिंहनाद करने लगे। तब अर्जुन ने अपने काल के समान कराल और तीखे बाणों से दुर्योधन के घोड़े और दोनों पार्श्व रक्षकों को मार डाला। फिर उसके धनुष और दस्तानों को भी काट दिया। इस प्रकार उसे रथहीन करके दो बाणों से उसकी हथेलियों को बींधा तथा उसके नखों के भीतरी मांस को छेदकर उसे ऐसा व्याकुल कर दिया कि वह भागने की चेष्टा करने लगा। दुर्योधन को इस प्रकार आपत्ति में पड़ा देखकर अनेकों धनुर्धर वीर उसकी रक्षा के लिए दौड़ पड़े। उन्होंने अर्जुन को चारों ओर से घेर लिया। जन समूह से घिर जाने और भीषण बाण वर्षा करने के कारण उस समय न तो अर्जुन ही दिखाई देते थे और न श्री कृष्ण ही। यहां तक कि उनका रथ भी आंखों से ओझल हो गया था। तब अर्जुन ने गांडीव धनुष खींचकर भीषण टंकार की और भारी बाण वर्षा करके शत्रुओं का संहार करना आरंभ कर दिया। श्री कृष्ण उच्च स्वर से पांचजन्य शंख बजाने लगे। उस शंख के नाद और गांडीव की टंकार से भयभीत होकर बलवान और दुर्बल सभी पृथ्वी पर लौटने लगे तथा पर्वत, समुद्र, द्वीप और पाताल के सहित सारी पृथ्वी गूंज उठी। आपकी ओर के अनेकों वीर श्री कृष्ण और अर्जुन को मारने के लिए बड़ी फुर्ती से दौड़ आए। भूरिश्रवा, शल, कर्ण, वृषसेन, जयद्रथ, कृपाचार्य, शल्य और अश्वत्थामा इन 8 वीरों ने एक साथ ही उन पर आक्रमण किया। उन सबके साथ राजा दुर्योधन ने जयद्रथ की रक्षा के उद्देश्य से उन्हें चारों ओर से घेर लिया। अश्वत्थामा ने 73 बाणों से श्री कृष्ण पर और 3 से अर्जुन पर वार किया तथा 5 बाणों से उनकी ध्वजा और घोड़ों पर भी चोट की। इस पर अर्जुन ने अत्यंत कुपित होकर अश्वत्थामा पर 600 बाण छोड़े तथा 10 बाणों से कर्ण और 3 से वृषसेन को बींधकर राजा शल्य के बाण सहित धनुष को काट डाला। शल्य ने तुरंत ही दूसरा धनुष लेकर अर्जुन को घायल कर दिया। फिर उन्हें भूरिश्रवा ने 3, कर्ण ने 32, वृषसेन ने 7, जयद्रथ ने 73, कृपाचार्य ने 10 और मद्रराज ने 10 बाणों से बींध डाला। इस पर अर्जुन हंसे और अपने हाथ की सफाई दिखाते हुए उन्होंने कर्ण पर 12 और वृषसेन पर 3 बाण छोड़कर शल्य के बाण सहित धनुष को काट डाला। फिर 8 बाणों से अश्वत्थामा को, 25 से कृपाचार्य को और 100 से जयद्रथ को घायल कर दिया। इसके बाद उन्होंने अश्वत्थामा पर 70 बाण और भी छोड़े। तब भूरिश्रवा ने कुपित होकर श्री कृष्ण का कोड़ा काट डाला और अर्जुन पर 73 बाणों से वार किया। इस पर अर्जुन ने 100 बाणों से उन सब शत्रुओं को आगे बढ़ने से रोक दिया। शकट व्यूह के मुहाने पर कौरव और पांडव पक्ष के वीरों का संग्राम तथा कौरव पक्ष के कई वीरों का वध। राजा धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, जब अर्जुन जयद्रथ की ओर चला गया तो आचार्य द्रोण द्वारा रोके हुए पांचाल वीरों ने कौरवों के साथ किस प्रकार युद्ध किया? संजय ने कहा, राजन, उस दिन दोपहर के बाद कौरव और पांचालों में जो रोमांचकारी युद्ध हुआ उसके प्रधान लक्ष्य आचार्य द्रोण ही थे। सभी पांचाल और पांडव वीर द्रोण के रथ के पास पहुंचकर उनकी सेना को छिन्न भिन्न करने के लिए बड़े बड़े शस्त्र चलाने लगे। सबसे पहले कैकेयी महारथी बृहत क्षत्र पहने पहने बाण बरसाता हुआ आचार्य के सामने आया। उसका मुकाबला सैकड़ों बाण बरसाते क्षेम धूर्ति ने किया। फिर चेदी राज धृष्टकेतु आचार्य पर टूट पड़ा
उसका सामना वीर धनवा ने किया। इसी प्रकार सहदेव को दुर्मुख ने, सात्यकी को व्याघ्रदत्त ने, द्रौपदी के पुत्रों को सोमदत्त के पुत्र ने और भीमसेन को राक्षस अलंबुष ने रोका। इसी समय राजा युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य पर 90 बाण छोड़े। तब आचार्य ने सारथी और घोड़ों के सहित उन पर 25 बाणों से वार किया, परंतु धर्मराज ने अपने हाथ की फुर्ती दिखाते हुए उन सब बाणों को अपनी बाण वर्षा से रोक दिया। इससे द्रोण का क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने महात्मा युधिष्ठिर का धनुष काट डाला और बड़ी फुर्ती से हजारों बाण बरसाकर उन्हें सब ओर से ढक दिया। इससे अत्यंत खिन्न होकर धर्मराज ने वह टूटा हुआ धनुष फेंक दिया तथा एक दूसरा प्रचंड धनुष लेकर आचार्य के छोड़े हुए सहस्त्रों बाणों को काट डाला। फिर उन्होंने द्रोण के ऊपर एक अत्यंत भयानक गदा छोड़ी और उल्लास में भरकर गर्जना करने लगे। गदा को अपनी ओर आते देख आचार्य ने ब्रह्मास्त्र प्रकट किया। वह गदा को भस्म करके राजा युधिष्ठिर के रथ की ओर चला। तब धर्मराज ने ब्रह्मास्त्र से ही उसे शांत कर दिया तथा 5 बाणों से आचार्य को बींधकर उनका धनुष काट डाला। तब द्रोण ने वह टूटा हुआ धनुष फेंक कर धर्मपुत्र युधिष्ठिर पर गदा फेंकी। उसे अपनी ओर आते देख धर्मराज ने भी एक गदा उठाकर चलाई। वे गदाएं आपस में टकरा उठी, उनसे चिंगारियां निकलने लगी और फिर वे पृथ्वी पर जा पड़ी। अब द्रोणाचार्य का क्रोध बहुत ही बढ़ गया। उन्होंने 4 पैने बाणों से युधिष्ठिर के घोड़े मार डाले, एक भल्ल से उनका धनुष काट दिया, एक से ध्वजा काट डाली और 3 बाणों से स्वयं उन्हें भी बहुत पीड़ित कर दिया। घोड़ों के मारे जाने से महाराज युधिष्ठिर बड़ी फुर्ती से रथ से कूद पड़े और सहदेव के रथ पर चढ़कर घोड़ों को तेजी से बढ़ाकर युद्ध के मैदान से चले गए। दूसरी ओर महापराक्रमी कैकेयी राज बृहत क्षत्र को आते देख शेमधूर्ति ने बाणों द्वारा उसकी छाती पर चोट की। तब बृहत क्षत्र ने बड़ी फुर्ती से क्षेमधूर्ति के 90 बाण मारे। इस पर क्षेमधूर्ति ने एक पैने बल से कैकेयी राज का धनुष काट डाला और स्वयं उसे भी एक बाण से घायल कर दिया। कैकेयी राज ने एक दूसरा धनुष लेकर हंसते हंसते महारथी क्षेमधूर्ति के घोड़े, सारथी और रथ को नष्ट कर डाला तथा एक पैने भल्ल से उसके कुंडल मंडित मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद वह पांडवों के हित के लिए अकस्मात आपकी सेना पर टूट पड़ा। चेदी राज धृष्टकेतु को वीर धनवा ने रोका था। वे दोनों वीर आपस में भिड़कर सहस्त्रों बाणों से एक दूसरे को घायल कर रहे थे। तब वीर धनवा ने कुपित होकर एक भल्ल से धृष्टकेतु के धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। चेदी राज ने उसे फेंक कर एक लोहे की शक्ति उठाई और उसे दोनों हाथों से वीर धनवा पर फेंका। उसकी भयंकर चोट से वीर धनवा की छाती फट गई और वह रथ से पृथ्वी पर गिर गया। दूसरी ओर दुर्मुख ने सहदेव पर 60 बाण छोड़े और बड़ी भारी गर्जना की। इस पर सहदेव ने हंसते हंसते उसको अनेकों तीखे बाणों से बींध डाला। दुर्मुख ने उसके 9 बाण मारे। तब सहदेव ने एक भल्ल से दुर्मुख की ध्वजा काट डाली, 4 पैने बाणों से चारों घोड़े मार दिए और एक अत्यंत तीखे तीर से उसका धनुष काट डाला। इसके बाद उसने उसके सारथी का भी सिर उड़ा दिया तथा 5 बाणों से स्वयं उसको घायल कर दिया। तब दुर्मुख अपने अश्वहीन रथ को छोड़कर निर्मित्र के रथ पर चढ़ गया। इस पर सहदेव ने कुपित होकर एक भल्ल से निर्मित्र पर प्रहार किया। इस पर त्रिगर्त राज का पुत्र निर्मित्र रथ की बैठक से नीचे गिर गया। राजपुत्र निर्मित्र को मरा देखकर
त्रिगर्त देश की सेना में बड़ा हाहाकार होने लगा। इसी समय दूसरी आश्चर्य की बात यह हुई कि नकुल ने एक क्षण में ही आपके पुत्र विकर्ण को परास्त कर दिया। सेना के दूसरे भाग में व्याघ्रदत्त अपने तीखे बाणों से सात्यकी को आच्छादित कर रहा था। सात्यकी ने अपने हाथ की सफाई से उन सबको रोक दिया तथा अपने बाणों द्वारा ध्वजा, सारथी और घोड़ों के सहित व्याघ्रदत्त को भी धराशायी कर दिया। उस मगध राजकुमार का वध होने पर मगध देश के अनेकों वीर सहस्त्रों बाण, तोमर, भिंदीपाल, प्रास, मुदगर और मूसल आदि शस्त्रों का वार करते हुए सात्यकी के साथ युद्ध करने लगे। किंतु सात्यकी ने हंसते हंसते अनायास ही उन सबको परास्त कर दिया। महाबाहु सात्यकी की मार से भयभीत होकर भागी हुई आपकी सेना से किसी का भी साहस उसके सामने ठहरने का नहीं हुआ। यह देखकर द्रोणाचार्य जी को बड़ा क्रोध हुआ और वे स्वयं ही उस पर टूट पड़े। इधर शल ने द्रौपदी के पुत्रों में से प्रत्येक को पहले पांच पांच और फिर सात सात बाणों से बींध दिया। इससे उन्हें बड़ी ही पीड़ा हुई। वे चक्कर में पड़ गए और अपने कर्तव्य के विषय में कुछ निश्चय नहीं कर सके। इतने में ही नकुल के पुत्र शतानिक ने दो बाणों से शल को बींधकर बड़ी भारी गर्जना की। इसी प्रकार अन्य द्रौपदी कुमारों ने भी तीन तीन बाणों से उसे घायल किया। तब शल ने उनमें से प्रत्येक पर पांच पांच बाण छोड़े और एक एक बाण से प्रत्येक की छाती पर चोट की। इस पर अर्जुन के पुत्र ने चार बाणों से उसके घोड़े मार डाले। भीमसेन के पुत्र ने उसका धनुष काटकर बड़े जोर से गर्जना की। युधिष्ठिर कुमार ने उसकी ध्वजा काटकर गिरा दी। नकुल के पुत्र ने सारथी को रथ से नीचे गिरा दिया तथा सहदेव कुमार ने एक पैने बाण से उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। उसका सिर कटते देखकर आपके सैनिक भयभीत होकर इधर-उधर भागने लगे। एक और महाबली भीमसेन के साथ अलंबुश का युद्ध हो रहा था। भीमसेन ने नौ बाणों से उस राक्षस को घायल कर डाला। तब वह भयानक राक्षस भीषण गर्जना करता हुआ भीमसेन की ओर दौड़ा। उसने उन्हें पांच बाणों से बींधकर उनकी सेना के 300 रथियों का संहार कर दिया। फिर 400 वीरों को और भी मारकर एक बाण से भीमसेन को घायल कर दिया। उस बाण से महाबली भीम के गहरी चोट लगी और वे अचेत होकर रथ के भीतर ही गिर गए। कुछ देर बाद उन्हें चेत हुआ तो वे अपना भयंकर धनुष चढ़ाकर चारों ओर से अलंबुश को बाणों से बींधने लगे। इस समय उसे याद आया कि भीमसेन ने ही उसके भाई बख को मारा था। अतः उसने भयानक रूप धारण करके उनसे कहा, दुष्ट भीम, तूने जिस समय मेरे महाबली भाई बख को मारा था, उस समय मैं वहां उपस्थित नहीं था। आज तू उसका फल चख ले। ऐसा कहकर वह अंतर्धान हो गया तथा भीमसेन के ऊपर बड़ी भारी बाण वर्षा करने लगा। भीमसेन ने भी सारे आकाश को बाणों से व्याप्त कर दिया। उनसे पीड़ित होकर वह राक्षस अपने रथ पर आ बैठा, फिर पृथ्वी पर उतरा और छोटा सा रूप धारण करके आकाश में उड़ गया। वह क्षण क्षण में ऊंचे नीचे, अणुबृहत तथा स्थूल सूक्ष्म विभिन्न प्रकार के रूप धारण कर लेता था तथा मेघ के समान गरजने लगता था। उसने आकाश में चढ़कर शक्ति, कणप, प्रास, शूल, पट्टिश, तोमर, शतघ्नि, परिग, भिंदीपाल, परशु, शिला, खड़ग, गुड, ऋष्टि और वज्र आदि अनेकों अस्त्र शस्त्रों की वर्षा की। उससे भीमसेन के अनेकों सैनिक नष्ट हो गए। इस पर भीमसेन ने कुपित होकर विश्वकर्मास्त्र छोड़ा। उससे सब ओर अनेकों बाण प्रकट हो गए। उनसे पीड़ित होकर आपके सैनिकों में बड़ी भगदड़ मच गई। उस अस्त्र ने राक्षस की सारी माया को नष्ट करके
उसे भी बहुत पीड़ा पहुंचाई। इस प्रकार भीमसेन द्वारा बहुत पीड़ित होने पर वह उन्हें छोड़कर द्रोणाचार्य जी की सेना में चला आया। उस महाबली राक्षस को जीतकर पांडव लोग सिंहनाद करके सब दिशाओं को गुंजाने लगे। अब हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच ने अलंबुष के सामने आकर उसे तीखे बाणों से बींधना आरंभ किया। इससे अलंबुष का क्रोध बहुत बढ़ गया और उसने घटोत्कच पर बहुत भारी चोट की। इस प्रकार उन दोनों राक्षसों का बड़ा भीषण संग्राम छिड़ गया। घटोत्कच ने अलंबुष की छाती में 20 बाण मारकर बार-बार सिंह के समान गर्जना की तथा अलंबुष ने रणकर्कश घटोत्कच को घायल करके अपने भारी सिंहनाद से आकाश को गुंजा दिया। दोनों ही सैकड़ों प्रकार की मायाएं रचकर एक दूसरे को मोह में डाल रहे थे। माया युद्ध में कुशल होने के कारण अब उन्होंने उसी का आश्रय लिया। उस युद्ध में घटोत्कच ने जो-जो माया दिखाई उसी को अलंबुष ने नष्ट कर दिया। इससे भीमसेन आदि कई महारथियों का क्रोध बहुत बढ़ गया और वे अलंबुष पर टूट पड़े। अलंबुष ने अपना वज्र के समान प्रचंड धनुष चढ़ाकर भीमसेन पर 25, घटोत्कच पर 5, युधिष्ठिर पर 3, सहदेव पर 7, नकुल पर 73 और द्रौपदी पुत्रों पर 5-5 बाण छोड़े तथा बड़ा भीषण सिंहनाद किया। इस पर उसे भीमसेन ने 9, सहदेव ने 5, युधिष्ठिर ने 100, नकुल ने 64 और द्रौपदी के पुत्रों ने 5-5 बाणों से बींध दिया तथा घटोत्कच ने उस पर 50 बाण छोड़कर फिर 70 बाणों का वार करते हुए बड़ी गर्जना की। उस भीषण सिंहनाद से पर्वत, वन, वृक्ष और जलाशयों के सहित सारी पृथ्वी डगमगाने लगी। तब अलंबुष ने उनमें से प्रत्येक वीर पर 5-5 बाणों से चोट की। इस पर घटोत्कच और पांडवों ने अत्यंत उत्तेजित होकर उस पर चारों ओर से तीखे-तीखे तीरों की वर्षा की। विजयी पांडवों की मार से अधमरा हो जाने से वह एकदम किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया। उसकी ऐसी स्थिति देखकर युद्ध दुर्मद घटोत्कच ने उसका वध करने का विचार किया। वह अपने रथ से अलंबुष के रथ पर कूद गया और उसे दबोच लिया। फिर उसे हाथों से ऊपर उठाकर बार-बार घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। यह देखकर उसकी सारी सेना भयभीत हो गई। वीर घटोत्कच के प्रहार से अलंबुष के सब अंग फट गए और उसकी हड्डियां चूर-चूर हो गईं। इस प्रकार महाबली अलंबुष को मरा देखकर पांडव लोग हर्ष से सिंहनाद करने लगे तथा आपकी सेना में हाहाकार होने लगा। सात्यकी और द्रोण का युद्ध तथा राजा युधिष्ठिर का सात्यकी को अर्जुन के पास भेजना। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, अब तुम मुझे यह वृत्तांत ठीक-ठीक सुनाओ कि संग्राम भूमि में द्रोणाचार्य जी को सात्यकी ने कैसे रोका था? संजय ने कहा, राजन, जब आचार्य ने देखा कि महापराक्रमी सात्यकी हमारी सेना को कुचल रहा है, तो वे स्वयं ही उसके सामने आकर डट गए। उन्हें सहसा अपने सामने आया देखकर सात्यकी ने उन पर 25 बाण छोड़े। तब आचार्य ने बड़ी फुर्ती से उसे 5 तीखे बाणों से बींध दिया। वे उसके कवच को फोड़कर फिर पृथ्वी पर जा पड़े। इससे सात्यकी ने कुपित होकर द्रोण को 50 बाणों से घायल कर दिया तथा आचार्य ने भी अनेकों बाणों से उसे बींध डाला। इस समय आचार्य की चोटों से वह ऐसा व्याकुल हो गया कि उसे अपना कर्तव्य भी नहीं सूझता था। उसका चेहरा उतर गया। यह देखकर आपके पुत्र और सैनिक प्रसन्न होकर बार-बार सिंहनाद करने लगे। उनका भीषण नाद सुनकर और सात्यकी को संकट में देखकर राजा युधिष्ठिर ने धृष्टद्युमन से कहा, द्रुपद पुत्र, तुम भीमसेन आदि सभी वीरों को साथ लेकर सात्यकी के रथ की ओर जाओ
तुम्हारे पीछे मैं भी सब सैनिकों को लेकर आता हूँ। इस समय सात्यकी की उपेक्षा मत करो, वह काल के गाल में पहुंच चुका है। ऐसा कहकर राजा युधिष्ठिर सात्यकी की रक्षा के लिए सारी सेना लेकर द्रोणाचार्य पर चढ़ आए, किंतु आचार्य अपनी बाण वर्षा से उन सभी महारथियों को पीड़ित करने लगे। उस समय पांडव और श्रृंजय वीरों को अपना कोई भी रक्षक दिखाई नहीं देता था। द्रोणाचार्य पांचाल और पांडवों की सेना के प्रधान प्रधान वीरों का संहार कर रहे थे। उन्होंने सैकड़ों हजारों पांचाल, श्रृंजय, मत्स्य और कैकेयी वीरों को परास्त कर दिया। उनके बाणों से बिंधे हुए योद्धाओं का बड़ा आर्तनाद हो रहा था। उस समय देवता, गंधर्व और पितरों के मुख से भी ये शब्द निकल रहे थे कि देखो, ये पांचाल और पांडव महारथी अपने सैनिकों के सहित भागे जा रहे हैं। जिस समय इन वीरों का भीषण संहार हो रहा था, उसी समय राजा युधिष्ठिर के कानों में पांचजन्य शंख की ध्वनि पड़ी। इससे वे उदास होकर विचारने लगे, जिस प्रकार यह पांचजन्य की ध्वनि हो रही है और कौरव लोग हर्ष में भरकर बार-बार कोलाहल करते हैं, उससे मालूम होता है कि अर्जुन पर कोई आपत्ति आ पड़ी है। इस विचार के उठने से उनका हृदय व्याकुल हो उठा और उन्होंने गदगद कंठ होकर सात्यकी से कहा, शिनी पुत्र, पूर्व काल में सत्पुरुषों ने संकट के समय मित्र का जो धर्म निश्चय किया है, इस समय उसे दिखाने का अवसर आ गया है। मैं सब योद्धाओं की ओर देखकर विचार करता हूँ, तो तुमसे बढ़कर मुझे अपना कोई हेतु दिखाई नहीं देता, और मेरा ऐसा विचार है कि संकट के समय उसी से काम लेना चाहिए जो अपने से प्रीति रखता हो और सर्वदा अपने अनुकूल भी रहता हो। तुम श्री कृष्ण के समान पराक्रमी हो और उन्हीं की तरह पांडवों के आश्रय भी हो, अतः मैं तुम्हारे ऊपर एक भार रखना चाहता हूँ, उसे तुम ग्रहण करो। इस समय तुम्हारे बंधु, सखा और गुरु अर्जुन पर संकट है, तुम संग्राम भूमि में उनके पास जाकर सहायता करो। जो पुरुष अपने मित्र के लिए जूझता हुआ प्राण त्याग देता है और जो ब्राह्मणों को पृथ्वी दान करता है, वे दोनों ही समान हैं। मेरी दृष्टि में मित्रों को अभय देने वाले एक तो श्री कृष्ण हैं और दूसरे तुम हो। वे भी मित्रों के लिए अपने प्राण समर्पण कर सकते हैं। देखो, जब एक पराक्रमी वीर विजय श्री की लालसा से सारे संग्राम में जूझने लगता है, तो वीर पुरुष ही उसकी सहायता कर सकता है, अन्य साधारण पुरुषों का यह काम नहीं है। अतः ऐसे भीषण युद्ध में अर्जुन की रक्षा करने वाला तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है। अर्जुन ने भी तुम्हारे सैकड़ों कर्मों की प्रशंसा करते हुए मुझसे कई बार कहा था कि सात्यकी मेरा मित्र और शिष्य है, मैं उसे प्रिय हूँ और वह मुझे प्यारा है। मेरे साथ रहकर वही कौरवों का संहार करेगा, उसके समान मेरा सहायक कोई दूसरा नहीं हो सकता। जिस समय मैं तीर्थाटन करता हुआ द्वारका पहुंचा था, उस समय भी मैंने अर्जुन के प्रति तुम्हारा अद्भुत भक्ति भाव देखा था। इस समय द्रोण से कवच बंधवाकर दुर्योधन अर्जुन की ओर गया है। दूसरे कई महारथी तो वहां पहले ही पहुंचे हुए हैं, इसलिए तुम्हें बहुत जल्द जाना चाहिए। भीमसेन और हम सब लोग सैनिकों के सहित तैयार खड़े हैं। यदि द्रोणाचार्य ने तुम्हारा पीछा किया, तो हम उन्हें यहीं रोक लेंगे। देखो, हमारी सेना संग्राम भूमि से भागने लगी है। रथी, घुड़सवार और पैदल सेना के इधर-उधर भागने से सब ओर धूल उड़ रही है। मालूम होता है, अर्जुन को सिंधु सौवीर देश के वीरों ने घेर लिया है। ये सब जयद्रथ के लिए अपने प्राण देने को तैयार हैं। इसलिए इन्हें परास्त किए बिना जयद्रथ को भी नहीं जीता जा सकेगा। आज महाबाहु अर्जुन ने
सूर्योदय के समय कौरवों की सेना में प्रवेश किया था। अब दिन ढल रहा है, पता नहीं अब तक वह जीवित भी है या नहीं। कौरवों की सेना समुद्र के समान अपार है। संग्राम में एकाएकी देवता लोग भी इनके सामने नहीं टिक सकते। इसमें अर्जुन ने अकेले ही प्रवेश किया है। उसकी चिंता के कारण आज युद्ध करने में मेरी बुद्धि कुछ भी काम नहीं कर रही है। जगतपति श्री कृष्ण तो दूसरों की भी रक्षा करने वाले हैं, इसलिए उनकी मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तीनों लोक मिलकर भी श्री कृष्ण से लड़ने आए तो उन्हें भी वे संग्राम में जीत सकते हैं। फिर इस धृतराष्ट्र पुत्र की अत्यंत बलहीन सेना की तो बात ही क्या है। किंतु अर्जुन में यह बात नहीं है, उसे यदि बहुत से योद्धाओं ने मिलकर पीड़ा पहुंचाई तो वह प्राण छोड़ देगा। अतः जिस मार्ग से अर्जुन गया है उसी से तुम भी बहुत जल्द उसके पास जाओ। आजकल वृष्णिवंशी वीरों में तुम और महाबाहु प्रद्युमन दो ही अति रथी समझे जाते हो। तुम अस्त्र संचालन में साक्षात नारायण के समान, बल में श्री बलराम जी के समान और पराक्रम में स्वयं अर्जुन के समान हो। अतः मैं तुम्हें जो काम सौंप रहा हूँ उसे पूरा करो। इस समय प्राणों की परवाह छोड़कर संग्राम भूमि में निर्भय होकर विचरो। भैया देखो, अर्जुन तुम्हारा गुरु है और श्री कृष्ण तुम्हारे और अर्जुन दोनों के ही गुरु हैं। इस कारण से भी मैं तुम्हें जाने का आदेश दे रहा हूँ। तुम मेरे कथन को टाल मत देना, क्योंकि मैं भी तुम्हारे गुरु का गुरु हूँ और उसमें श्री कृष्ण का, अर्जुन का और मेरा एक ही मत है। इसलिए तुम मेरी आज्ञा मानकर अर्जुन के पास जाओ। धर्मराज के इस प्रेम युक्त, मधुर, सम्योचित और युक्ति युक्त कथन को सुनकर सात्यकी ने कहा, राजन, आपने अर्जुन की सहायता के लिए मुझसे जो न्याय युक्त बात कही है वह मैंने सुनी। वैसा करने से मेरा यश ही बढ़ेगा। अर्जुन के लिए मुझे अपने प्राणों को बचाने का तनिक भी लोभ नहीं है और आपकी आज्ञा होने पर तो इस संग्राम भूमि में ऐसा कौन सा काम है जो मैं न करूं? इस दुर्बल सेना की तो बात ही क्या। आपके कहने पर तो मैं देवता, असुर और मनुष्यों के सहित तीनों लोकों में संग्राम कर सकता हूँ। मैं आपसे सच कहता हूँ, आज इस दुर्योधन की सेना से मैं सभी ओर युद्ध करूँगा और इसे परास्त कर दूंगा। मैं कुशल पूर्वक अर्जुन के पास पहुँच जाऊँगा और जयद्रथ का वध होने पर फिर आपके पास लौट आऊँगा। किंतु मतिमान अर्जुन और श्री कृष्ण ने मुझसे जो बात कह रखी है वह भी मैं आपकी सेवा में अवश्य निवेदन कर देना चाहता हूँ। अर्जुन ने सारी सेना के बीच में श्री कृष्ण के सामने ही मुझसे बहुत जोर देकर कहा था कि जब तक मैं जयद्रथ को मार कर आऊं तब तक तुम बड़ी सावधानी से महाराज की रक्षा करना। मैं तुम पर या महारथी प्रद्युमन पर ही महाराज की रक्षा का भार सौंपकर निश्चिंतता से जयद्रथ के पास जा सकता हूँ। तुम द्रोण को जानते ही हो, वे कौरव पक्ष के सभी वीरों में श्रेष्ठ हैं। उन्होंने धर्मराज को पकड़ने की प्रतिज्ञा कर रखी है, अतः वे इसी ताक में हैं और उन्हें पकड़ने की उनमें शक्ति भी है। परंतु याद रखना, यदि किसी प्रकार सत्यवादी युधिष्ठिर उनके हाथ में पड़ गए तो हम सबको अवश्य ही पुनः वन में जाना पड़ेगा। इसलिए आज तुम विजय, कीर्ति और मेरी प्रसन्नता के लिए संग्राम भूमि में महाराज की रक्षा करते रहना। राजन, इस प्रकार सव्यसाची पार्थ ने द्रोणाचार्य से सर्वदा सशंक रहने के कारण आज आपकी रक्षा का भार मुझे सौंपा था। मुझे भी संग्राम भूमि में उनका सामना करने वाला प्रद्युमन के सिवा और कोई दिखाई नहीं देता। यदि आज यहाँ कृष्ण कुमार प्रद्युमन जी होते तो मैं उन्हें आपकी रक्षा का भार सौंप देता
और वे अर्जुन के समान ही आपकी रक्षा कर लेते। किंतु अब यदि मैं चला जाऊंगा, तो आपकी रक्षा कौन करेगा? और अर्जुन की ओर से तो आप कोई चिंता न करें। वे कोई भी भार अपने ऊपर लेकर फिर उससे कभी नहीं घबराते। आपने जिन सौवीर, सिंधु देशीय, उत्तरीय और दक्षिणात्य योद्धाओं की बात कही है, तथा जिन कर्ण आदि रथियों का नाम लिया है, वे सब तो रणांगण में कुपित हुए अर्जुन के 16वें अंश के बराबर भी नहीं हैं। यदि पृथ्वी भर के देवता, असुर, मनुष्य, राक्षस, किन्नर और नाग आदि चराचर जीव पार्थ से युद्ध करने को तैयार हो जाएं, तो वे सब भी उनके सामने नहीं ठहर सकते। इन सब बातों पर विचार करके आपको अर्जुन के विषय में कोई आशंका नहीं करनी चाहिए। जहां महापराक्रमी वीरवर श्री कृष्ण और अर्जुन हैं, वहां काम में किसी प्रकार की अड़चन नहीं पड़ सकती। आप अपने भाई की दैवी शक्ति, शस्त्र कुशलता, योग, सहनशीलता, कृतज्ञता और दया पर ध्यान दीजिए और जब मैं उनके पास चला जाऊंगा, तो उस समय द्रोणाचार्य जिन विचित्र अस्त्रों का प्रयोग करेंगे, उनके विषय में भी विचार कर लीजिए। राजन, अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए आचार्य आपको पकड़ने के लिए बहुत उत्सुक हैं, अतः आप अपने बचाव का उपाय कर लीजिए। यह सोच लीजिए कि मेरे जाने पर आपकी रक्षा कौन करेगा? यदि इस बात का मुझे पूरा भरोसा हो जाए, तो मैं अर्जुन के पास जा सकता हूँ। युधिष्ठिर बोले, सात्यकी, तुम जैसा कहते हो, ठीक ही है, किंतु जब मैं अपनी रक्षा के लिए तुम्हें रखने और अर्जुन की सहायता के लिए भेजने के विषय में विचार करता हूँ, तो मुझे तुम्हारा जाना ही अधिक अच्छा मालूम होता है। अतः अब तुम अर्जुन के पास पहुँचने का प्रयत्न करो, मेरी रक्षा तो भीमसेन कर लेंगे। इनके सिवा भाइयों के सहित धृष्टद्युमन, अनेकों महाबली राजा लोग, द्रौपदी के पुत्र, 5 कैकेयी राजकुमार, राक्षस घटोत्कच, विराट, द्रुपद, महारथी शिखंडी, महाबली धृष्टकेतु, कुंती भोज, नकुल, सहदेव तथा पांचाल और श्रृंजय वीर भी सावधानी से मेरी रक्षा करेंगे। इनके कारण अपनी सेना के सहित द्रोण और कृतवर्मा मेरे पास तक पहुंचने या मुझे कैद करने में समर्थ नहीं होंगे। किनारा जैसे समुद्र को रोके रहता है, वैसे ही धृष्टद्युमन आचार्य को रोक देगा। इसने कवच, बाण, खड़ग, धनुष और आभूषण धारण किए द्रोण का नाश करने के लिए ही जन्म लिया है, इसलिए तुम इसके ऊपर पूरा भरोसा रखकर चले जाओ, किसी प्रकार की चिंता मत करो। सात्यकी ने कहा, यदि आपके विचार से आपकी रक्षा का प्रबंध हो गया है, तो मैं अर्जुन के पास अवश्य जाऊंगा और आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मैं सच कहता हूँ, तीनों लोकों में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मुझे अर्जुन से अधिक प्रिय हो, तथा मेरे लिए जितना उनका वचन मान्य है, उससे भी अधिक आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। श्री कृष्ण और अर्जुन, ये दोनों भाई आपके हित में तत्पर रहते हैं और मुझे आप उनके प्रिय साधन में तत्पर समझिए। मैं अभी इस दुर्भेद्य सेना को चीरकर अर्जुन के पास जाऊंगा, जिस स्थान पर उनसे भयभीत होकर जयद्रथ अपनी सेना के सहित अश्वथामा, कृप और कर्ण की रक्षा में खड़ा है, तथा पार्थ उसके वध करने के लिए गए हुए हैं, उसे मैं यहां से 3 योजन दूर समझता हूं, तो भी मुझे पूरा भरोसा है कि मैं जयद्रथ का वध होने से पहले ही उनके पास पहुंच जाऊंगा। जब आप आज्ञा दे रहे हैं, तो मुझ सरीखा कौन पुरुष है जो युद्ध न करेगा? राजन, जिस स्थान पर मुझे जाना है, उसका मुझे अच्छी तरह पता है। मैं हल, शक्ति, गदा, प्रास, ढाल, तलवार, रिष्टि, तोमर, बाण तथा अन्यान्य अस्त्र शस्त्र से भरे हुए इस सैन्य समुद्र को झकोर डालूंगा। इसके पश्चात
महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा से सात्यकी अर्जुन से मिलने के लिए आपकी सेना में घुस गया। सात्यकी का कौरव सेना में प्रवेश। संजय ने कहा, राजन, जब सात्यकी युद्ध करने के लिए आपकी सेना में घुसा, तो अपनी सेना के सहित महाराज युधिष्ठिर ने सात्यकी का पीछा करते हुए द्रोणाचार्य जी को रोकने के लिए उनके रथ पर आक्रमण किया। उस समय रणोन्मत्त धृष्टद्युम्न और राजा वसुदान ने पांडवों की सेना को पुकार कर कहा, अरे आओ आओ, जल्दी दौड़ो, शत्रुओं पर चोट करो, जिससे कि सात्यकी सहज ही में आगे बढ़ जाए। देखो, अनेकों महारथी इन्हें परास्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसा कहते हुए अनेकों महारथी बड़े वेग से हमारे ऊपर टूट पड़े तथा उन्हें पीछे हटाने के विचार से हमने भी उन पर आक्रमण किया। इसी समय सात्यकी के रथ की ओर बड़ा कोलाहल होने लगा। उस महारथी के बाणों की बौछार से आपके पुत्र की सेना के सैकड़ों टुकड़े हो गए और वह तितर-बितर हो इधर-उधर भागने लगी। उसके छिन्न-भिन्न होते ही सात्यकी ने सेना के मुहाने पर खड़े हुए सात वीरों को मार डाला। इसके बाद और भी अनेकों राजाओं को अपने अग्नि सदृश बाणों से यमराज के घर भेज दिया। वह एक बाण से सैकड़ों वीरों को और सैकड़ों बाणों से एक-एक वीर को बींध देता था। जिस प्रकार पशुपति पशुओं का संहार करते हैं, उसी प्रकार वह हाथी सवार और हाथियों को, घुड़सवार और घोड़ों को तथा सारथी और घोड़ों के सहित रथों को चौपट कर रहा था। इस प्रकार फुर्तीले सात्यकी ने बाणों की झड़ी लगा दी थी। उस समय आपके सैनिकों में से किसी को भी उसके सामने जाने का साहस नहीं होता था। उसकी बाण वर्षा से घायल होकर वे ऐसे डर गए कि उसे देखते ही मैदान छोड़कर भागने लगे। सात्यकी के तेज से वे ऐसे चक्कर में पड़ गए कि उस अकेले को ही अनेक रूपों में देखने लगे। वे जिधर जाते थे उधर ही उन्हें सात्यकी दिखाई देता था। इस प्रकार आपके बहुत से सैनिकों को मारकर और सेना को अत्यंत छिन्न भिन्न करके वह उसमें घुस गया। फिर जिस मार्ग से अर्जुन गए थे उसी से उसने भी जाने का विचार किया, किंतु इतने में ही द्रोण ने उसे आगे बढ़ने से रोका और पांच मर्म भेदी बाणों से घायल कर दिया। इस पर सात्यकी ने भी आचार्य पर सात तीखे बाणों से चोट की। तब द्रोण ने सारथी और घोड़ों के सहित सात्यकी पर छह बाण छोड़े। आचार्य का यह पराक्रम सात्यकी सह ना सका। उसने भीषण सिंहनाद करते हुए उन्हें क्रमशः 10, 6 और 8 बाणों से घायल कर दिया। इसके बाद 10 बाण और छोड़े तथा एक से उनके सारथी को, चार से चारों घोड़ों को और एक से उनकी ध्वजा को बींध दिया। इस पर द्रोण ने बड़ी फुर्ती से टिड्डी दल के समान बाणों की वर्षा करके उसे सारथी, रथ, ध्वजा और घोड़ों के सहित एकदम ढक दिया। तब आचार्य ने कहा, अरे, तेरा गुरु तो कायरों की तरह मेरे सामने से युद्ध करना छोड़कर भाग गया था। मैं तो युद्ध में लगा हुआ था, इतने में ही वह मेरी प्रदक्षिणा करने लगा। अब तू यदि मेरे साथ युद्ध करता रहा तो जीता बचकर नहीं जा सकेगा। सात्यकी ने कहा, ब्रह्मन, आपका कल्याण हो, मैं तो धर्मराज की आज्ञा से अर्जुन के पास ही जा रहा हूँ, इसलिए यहाँ मेरा समय नष्ट नहीं होना चाहिए। शिष्य लोग तो सर्वदा अपने गुरुओं के मार्ग का ही अनुसरण करते आए हैं, अतः जिस प्रकार मेरे गुरुजी गए हैं उसी प्रकार मैं भी अभी जाता हूँ। राजन, ऐसा कहकर सात्यकी द्रोणाचार्य जी को छोड़कर तुरंत ही वहां से चल दिया। उसे बढ़ते देख आचार्य को बड़ा क्रोध हुआ और वे अनेकों बाण छोड़ते हुए उसके पीछे दौड़े, किंतु सात्यकी पीछे न लौटा। वह अपने पैने बाणों से कर्ण की विशाल वाहिनी को बींधकर कौरवों की अपार सेना में घुस गया।
जब सेना इधर-उधर भागने लगी और सात्यकी उसके भीतर घुस गया, तो कृतवर्मा ने उसे घेरा। उसे सामने आया देख सात्यकी ने चार बाणों से उसके चारों घोड़ों को घायल कर दिया और फिर 16 बाणों से उसकी छाती पर वार किया। इस पर कृतवर्मा ने कुपित होकर सात्यकी की छाती में वत्सदंत नाम का एक बाण मारा। वह उसके कवच और शरीर को छेद कर खून से लथपथ हो पृथ्वी में घुस गया। फिर उसने अनेकों बाणों से सात्यकी के धनुष और बाण भी काट डाले। सात्यकी ने तुरंत ही दूसरा धनुष चढ़ाया और उससे सहस्त्रों बाण छोड़कर कृतवर्मा और उसके रथ को बिल्कुल ढक दिया। फिर एक भल्ल से उसके सारथी का सिर भी उड़ा दिया। सारथी न रहने से घोड़े भाग उठे। इससे कृतवर्मा भी घबराहट में पड़ गया, किंतु थोड़ी ही देर में सावधान होकर उसने स्वयं ही घोड़ों की बागडोर संभाल ली और निर्भयता पूर्वक शत्रुओं को संतप्त करने लगा। इतने ही में सात्यकी कृतवर्मा की सेना से निकलकर काम्बोज सेना की ओर बढ़ गया। वहां भी अनेकों वीरों ने उसे आगे बढ़ने से रोका। कौरव सेना के पराभव के विषय में राजा धृतराष्ट्र और संजय का संवाद तथा कृतवर्मा के पराक्रम का वर्णन। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, हमारी सेना अनेक प्रकार के गुणों से संपन्न और सुव्यवस्थित है। उसकी व्यूह रचना भी विधिवत की जाती है। हम सर्वदा उसका अच्छी तरह सत्कार करते रहते हैं तथा उसका भी हमारे प्रति बड़ा अच्छा भाव है। उसमें कोई अधिक बूढ़ा या बालक, अधिक दुबला या मोटा अथवा बौना पुरुष भी नहीं है। सभी सबल और स्वस्थ शरीर वाले हैं। हमने किसी को भी फुसलाकर, उपकार करके अथवा संबंध के कारण भर्ती नहीं किया। इनमें ऐसा भी कोई नहीं है जो बिना बुलाए अथवा बेगार में पकड़कर लाया गया हो। हमने अनेकों महारथी योद्धाओं को चुन-चुन कर ही भर्ती किया है तथा उनमें से किन्हीं को यथा योग्य वेतन देकर और किन्हीं को प्रिय भाषण करके संतुष्ट किया है। हमारी सेना में ऐसा योद्धा एक भी नहीं है जिसे थोड़ा वेतन मिलता हो अथवा वेतन मिलता ही ना हो। मैंने, मेरे पुत्रों ने तथा हमारे बंधु बांधवों ने सभी का दान, मान और आसन आदि से सत्कार किया है, किंतु फिर भी श्री कृष्ण और अर्जुन सही सलामत हमारी सेना में घुस गए, कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर सका। यहां तक कि सात्यकी ने भी उन्हें कुचल डाला। इसमें भाग्य के सिवा और किसे दोष दिया जाए? अच्छा, जब दुर्योधन ने अर्जुन को जयद्रथ के सामने खड़ा देखा और सात्यकी को निर्भयता से अपनी सेना में घुसते पाया, तो उसने उस समय पर अपना क्या कर्तव्य निश्चय किया? मैं तो यही समझता हूँ कि अर्जुन और सात्यकी को अपनी सेना लांघते और कौरव योद्धाओं को युद्ध स्थल से भागते देखकर मेरे पुत्र बड़ी चिंता में पड़ गए होंगे। इस समय सात्यकी के सहित श्री कृष्ण और अर्जुन के अपनी सेना में प्रवेश की बात सुनकर मैं भी बड़ी घबराहट में पड़ गया हूँ। अच्छा, जब द्रोणाचार्य ने पांडवों को व्यूह के द्वार पर रोक लिया, तो वहाँ उनके साथ किस प्रकार युद्ध हुआ, यह मुझे सुनाओ। और यह भी बताओ कि अर्जुन ने सिंधुराज जयद्रथ का वध करने के लिए क्या उपाय किया? संजय ने कहा, राजन, यह सारी विपत्ति आपके अपराध से ही आई है, इसलिए अन्य साधारण पुरुषों के समान आप इसके लिए चिंता न करें। पहले जब आपके बुद्धिमान सुहृद विदुर आदि ने कहा था कि आप पांडवों को राज्य से च्युत न करें, तो आपने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। जो पुरुष अपने हितैषी सुहृदों की बात पर ध्यान नहीं देता, वह भारी आपत्ति में पड़कर आपकी तरह ही चिंता किया करता है। श्री कृष्ण ने भी संधि के लिए आपसे बहुत प्रार्थना की थी, किंतु आपसे उनका भी मनोरथ सिद्ध नहीं हुआ। इससे आपकी गुणहीनता, पुत्रों के प्रति पक्षपात
धर्म पर अविश्वास, पांडवों के प्रति मत्सर और कुटिल भाव जानकर तथा आपके मुख से बहुत सी बेबसी की सी बातें सुनकर ही सर्वलोकेश्वर श्री कृष्ण ने कौरव पांडवों में यह भारी युद्ध खड़ा किया है। यह भीषण संघार आपके ही अपराध से हो रहा है। मुझे तो आगे, पीछे या मध्य में भी आपका कोई पुण्य कृत्य दिखाई नहीं देता। मेरे विचार से तो इस पराजय की जड़ आप ही हैं। अतः अब सावधान होकर जिस प्रकार यह भीषण संग्राम हुआ था, वह सुनिए। जब सत्य पराक्रमी सात्यकी आपकी सेना में घुस गया, तो भीमसेन आदि पांडव वीर भी आपके सैनिकों पर टूट पड़े। उन्हें बड़े क्रोध से धावा करते देख महारथी कृतवर्मा ने अकेले ही आगे बढ़ने से रोक दिया। इस समय हमने कृतवर्मा का बड़ा ही अद्भुत पराक्रम देखा। सारे पांडव मिलकर भी युद्ध में उसे नीचा न दिखा सके। तब महाबाहु भीम ने 3, सहदेव ने 20, धर्मराज ने 5, नकुल ने 100, धृष्टद्युम्न ने 3 और द्रौपदी के पुत्रों ने 7-7 बाणों से उसे घायल किया तथा विराट, द्रुपद और शिखंडी ने 5-5 बाण मारकर फिर 20 बाणों से उस पर और भी वार किया। कृतवर्मा ने इन सभी वीरों को 5-5 बाणों से बींधकर भीमसेन पर 7 बाण छोड़े तथा उनके धनुष और ध्वजा को काटकर रथ से नीचे गिरा दिया। इसके बाद उसने क्रोध में भरकर बड़ी तेजी से 70 बाणों द्वारा उनकी छाती पर फिर चोट की। कृतवर्मा के बाणों से अत्यंत घायल हो जाने से वे कांपने लगे तथा अचेत से हो गए। थोड़ी देर बाद जब होश हुआ तो भीमसेन ने उसकी छाती में 5 बाण मारे। इससे कृतवर्मा के सब अंग लहूलुहान हो गए। तब उसने क्रोध में भरकर 3 बाणों से भीमसेन पर वार किया तथा अन्य सब महारथियों को भी 3-3 बाणों से बींध दिया। इस पर उन सब ने भी उस पर 7-7 बाण छोड़े। कृतवर्मा ने एक शूरप्र बाण से शिखंडी का धनुष काट दिया। इससे कुपित होकर शिखंडी ने ढाल तलवार उठा ली तथा तलवार को घुमाकर कृतवर्मा के रथ पर फेंका। वह उसके धनुष और बाण को काटकर पृथ्वी पर जा पड़ी। कृतवर्मा ने तुरंत ही दूसरा धनुष लेकर प्रत्येक पांडव को 3-3 बाणों से बींध दिया तथा शिखंडी को 8 बाणों से घायल कर डाला। शिखंडी ने भी दूसरा धनुष लेकर अपने तीखे बाणों से कृतवर्मा को रोक दिया। इससे क्रोध में भरकर वह शिखंडी के ऊपर टूट पड़ा। इस समय अपने पैने बाणों से एक दूसरे को व्यथित करते हुए वे महारथी प्रलय कालीन सूर्यों के समान जान पड़ते थे। कृतवर्मा ने महारथी शिखंडी पर 73 बाणों से वार करके फिर उसे 7 बाणों द्वारा घायल कर डाला। इससे वह मूर्छित हो गया और उसके हाथ से धनुष बाण गिर गए। यह देखकर उसका सारथी बड़ी फुर्ती से रथ को रणांगण के बाहर ले गया। शिखंडी को रथ के पिछले भाग में अचेत पड़ा देखकर अन्य पांडव वीरों ने कृतवर्मा को अपने रथों से घेर लिया। किंतु इस समय कृतवर्मा ने बड़ा ही अद्भुत पराक्रम दिखाया। उसने अकेले ही उन सब वीरों को उनकी सेना के सहित परास्त कर दिया। पांडवों को जीतकर उसने पांचाल, सृंजय और कैकेयी वीरों के भी दांत खट्टे कर दिए। अंत में कृतवर्मा की बाण वर्षा से व्यथित होकर वे सभी महारथी युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गए। सात्यकी का कृतवर्मा के साथ युद्ध, जलसंध का वध तथा द्रोण और दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र पुत्रों से घोर संग्राम। संजय ने कहा, राजन, अब आपने जो बात पूछी थी, वह सुनिए। जब कृतवर्मा ने पांडवों की सेना को भगा दिया, तो सात्यकी बड़ी फुर्ती से उसके सामने आ गया। कृतवर्मा ने उस पर तीखे बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। इस पर सात्यकी ने बड़ी फुर्ती से उस पर एक भल्ल और 4 बाण छोड़े। बाणों से उसके घोड़े नष्ट हो गए
तथा भल्ल से धनुष कट गया। फिर उसने अनेकों पैने बाणों से कृतवर्मा के पृष्ठ रक्षक और सारथी को भी घायल कर दिया। इस प्रकार उसे रथहीन करके महावीर सात्यकी ने अपने पैने बाणों से उसकी सेना की नाक में दम कर दिया। उस बाण वर्षा से पीड़ित होकर कृतवर्मा की सेना तितर-बितर हो गई। तब सात्यकी आगे बढ़ा और बाणों की वर्षा करता हुआ गज सेना के साथ युद्ध करने लगा। वीरवर सात्यकी के छोड़े हुए वज्रतुल्य बाणों से व्यथित होकर लड़ाके हाथी युद्ध का मैदान छोड़कर भागने लगे। उनके दांत टूट गए, शरीर लहूलुहान हो गया, मस्तक और गंडस्थल फट गए तथा कान, मुंह और सूंड छिन्न-भिन्न हो गए। उनके महावत नष्ट हो गए, पताकाएं कटकर गिर गईं, मर्मस्थल बिंध गए, घंटे टूटकर गिर गए, ध्वजाएं टूट गईं, सवार युद्ध में काम आ गए तथा अंबारियां गिर गईं। सात्यकी ने नाराज, वत्सदंत, भल्ल, अंजलिक, क्षुरप्र और अर्धचंद्र नामक बाणों से उन्हें बहुत ही घायल कर दिया। इससे वे चिंघाड़ते, खून उगलते और मल मूत्र छोड़ते इधर-उधर भागने लगे। इसी समय एक हाथी पर सवार हुआ महाबली जलसंध अपना धनुष घुमाता सात्यकी पर चढ़ आया। सात्यकी ने उसके हाथी को अकस्मात आक्रमण करते देख अपने बाणों से रोक दिया। इस पर जलसंध ने बाणों द्वारा सात्यकी की छाती पर वार किया। सात्यकी बाण छोड़ना ही चाहता था कि जलसंध ने एक नाराज से उसका धनुष काट डाला तथा पांच बाणों से उसे भी घायल कर दिया। परंतु महाबाहु सात्यकी बहुत से बाणों से घायल हो जाने पर भी तस से मस न हुआ। उसने तुरंत ही दूसरा धनुष लिया और 60 बाणों से जलसंध के विशाल वक्षःस्थल पर वार किया। अब जलसंध ने ढाल और तलवार उठाई तथा तलवार को घुमाकर सात्यकी के ऊपर फेंका। वह उसके धनुष को काटकर पृथ्वी पर जा पड़ी। तब सात्यकी ने दूसरा धनुष उठाया और उसकी टंकार करके एक पैने बाण से जलसंध को बीन दिया। फिर दो क्षुरप्र बाणों से उसने जलसंध की भुजाएं काट डाली तथा तीसरे क्षुरप्र से उसका मस्तक उड़ा दिया। जलसंध को मरा देखकर आपकी सेना में बड़ा हाहाकार मच गया। आपके योद्धा पीठ दिखाकर जहां तहां भागने का प्रयत्न करने लगे। इतने में ही शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ आचार्य द्रोण अपने घोड़ों को दौड़ाकर सात्यकी के सामने आ गए। यह देखकर प्रधान प्रधान कौरव भी आचार्य के साथ ही उस पर टूट पड़े। अब सात्यकी पर द्रोण ने 77, दुर्मर्शन ने 12, दुस्सह ने 10, विकर्ण ने 30, दुर्मुख ने 10, दुशासन ने 8 और चित्रसेन ने 2 बाण छोड़े। राजा दुर्योधन तथा अन्य महारथियों ने भी भीषण बाण वर्षा करके उसे पीड़ित करना आरंभ किया, किंतु सात्यकी ने अलग-अलग उन सभी के बाणों का जवाब दिया। उसने द्रोण के 3, दुस्सह के 9, विकर्ण के 25, चित्रसेन के 7, दुर्मर्शन के 12, विविंशति के 8, सत्यव्रत के 9 और विजय के 10 बाण मारे। फिर वह दुर्योधन पर टूट पड़ा और उस पर बाणों की बड़ी गहरी चोट करने लगा। दोनों में तुमुल युद्ध छिड़ गया और दोनों ने ही अपने-अपने धनुष संभालकर बाणों की वर्षा करते हुए एक दूसरे को अदृश्य कर दिया। दुर्योधन के बाणों ने सात्यकी को बहुत ही घायल कर दिया तथा सात्यकी ने भी अपने बाणों से आपके पुत्र को बींध डाला। आपके दूसरे पुत्रों ने भी आवेश में भरकर सात्यकी पर बाणों की झड़ी लगा दी, किंतु उसने प्रत्येक पर पहले 5-5 बाण छोड़कर फिर 7-7 बाणों से वार किया और फिर बड़ी फुर्ती से 8 बाणों द्वारा दुर्योधन पर चोट की। इसके पश्चात उसने उसके धनुष और ध्वजा को भी काटकर गिरा दिया। फिर 4 तीखे बाणों से चारों घोड़ों को मारकर एक बाण से सारथी का भी काम तमाम कर दिया।
अब दुर्योधन के पैर उखड़ गए। वह भागकर चित्रसेन के रथ पर चढ़ गया। इस प्रकार अपने राजा को सात्यकी द्वारा पीड़ित होते देख सब ओर हाहाकार होने लगा। उस कोलाहल को सुनकर बड़ी फुर्ती से महारथी कृतवर्मा सात्यकी के सामने आया। उसने 26 बाणों से सात्यकी को, 5 से उसके सारथी को और 4 से चारों घोड़ों को घायल कर डाला। इस पर सात्यकी ने बड़ी तेजी से उस पर 80 बाण छोड़े। उनकी चोट से अत्यंत घायल होकर कृतवर्मा कांप उठा। इसके बाद सात्यकी ने 63 बाणों से उसके चारों घोड़ों को और 7 से सारथी को बींध डाला। फिर एक अत्यंत तेजस्वी बाण कृतवर्मा पर छोड़ा। वह उसके कवच को फोड़कर खून में लथपथ हुआ पृथ्वी पर गिर गया। उसकी चोट से कृतवर्मा का शरीर लहूलुहान हो गया। उसके हाथ से धनुष बाण गिर गए और वह अत्यंत पीड़ित होकर घुटनों के बल रथ की बैठक में गिर गया। इस प्रकार कृतवर्मा को परास्त करके सात्यकी आगे बढ़ा। अब द्रोणाचार्य उसके सामने आकर बाणों की वर्षा करने लगे। उन्होंने 3 बाणों से सात्यकी के ललाट पर चोट की तथा और भी अनेकों बाणों से उस पर वार किया, परंतु सात्यकी ने 2-2 बाण मारकर उन सभी को काट दिया। इस पर आचार्य ने हंसकर पहले 30 और फिर 50 बाण छोड़े। इससे सात्यकी का क्रोध भड़क उठा। उसने 9 पैने बाणों से द्रोण पर वार किया तथा उनके सामने ही 100 बाणों से उनके सारथी और ध्वजा को भी बींध डाला। सात्यकी की ऐसी फुर्ती देखकर आचार्य ने 70 बाणों से उसके सारथी को बींधकर 3 से उसके घोड़ों पर चोट की। फिर एक बाण से रथ की ध्वजा काटकर दूसरे से उसका धनुष काट डाला। इस पर सात्यकी ने एक भारी गदा उठाकर द्रोण के ऊपर छोड़ी। उसे सहसा अपने ऊपर आते देख आचार्य ने बीच में ही अनेकों बाणों से काटकर गिरा दिया। फिर उसने दूसरा धनुष ले उससे बहुत से बाण बरसाकर द्रोण की दाहिनी भुजा को घायल कर दिया। इससे उन्हें बड़ी पीड़ा हुई और उन्होंने एक अर्धचंद्र बाण से सात्यकी का धनुष काटकर एक शक्ति से उसके सारथी को मूर्छित कर दिया। इस समय सात्यकी ने बड़ा ही अति मानुष कर्म किया। वह द्रोणाचार्य से युद्ध करता रहा और साथ ही घोड़ों की लगाम भी संभाले रहा। फिर उसने एक बाण से द्रोण के सारथी को पृथ्वी पर गिराकर उनके घोड़ों को बाणों द्वारा इधर-उधर भगाना आरंभ किया। वे उनके रथ को लेकर रण आंगन में हजारों चक्कर काटने लगे। उसी समय सभी राजा और राजकुमार कोलाहल मचाने लगे, किंतु सात्यकी के बाणों से व्यथित होकर वे सब भी मैदान छोड़कर भाग गए। इससे आपकी सेना फिर अव्यवस्थित और तितर-बितर होने लगी। सात्यकी के बाणों से पीड़ित होकर आचार्य के घोड़े हवा हो गए और उन्होंने फिर उन्हें व्यूह के द्वार पर ही लाकर खड़ा कर दिया। आचार्य ने पांडव और पांचालों के प्रयत्न से अपने व्यूह को टूटा हुआ देखकर फिर सात्यकी की ओर जाने का विचार छोड़ दिया और वे पांडव और पांचालों को आगे बढ़ने से रोककर व्यूह की ही रक्षा करने लगे। सात्यकी के द्वारा राजकुमार सुदर्शन का वध, काम्बोज और यवन आदि अनार्य योद्धाओं से घोर संग्राम तथा धृतराष्ट्र पुत्रों की पराजय। संजय ने कहा, राजन, इस प्रकार द्रोणाचार्य तथा कृतवर्मा आदि आपके वीरों को परास्त कर सात्यकी ने अपने सारथी से कहा, सूत, हमारे शत्रुओं को तो श्री कृष्ण और अर्जुन पहले ही भस्म कर चुके हैं। हम तो इनकी पराजय में केवल निमित्त मात्र हैं और पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन के मारे हुए योद्धाओं को ही मार रहे हैं। सारथी से ऐसा कहकर वह शिनी कुलभूषण सब ओर बाणों की वर्षा करता अपने शत्रुओं पर टूट पड़ा। उसे बढ़ता देख राजकुमार सुदर्शन क्रोध में भरकर सामने आया और बलात् उसे रोकने लगा।
उसने सात्यकी पर सैकड़ों बाण छोड़े, परंतु उसने उन्हें अपने पास पहुंचने से पहले ही काट डाला। इसी प्रकार सात्यकी ने सुदर्शन पर जो बाण छोड़े, उनके उसने भी दो-दो तीन-तीन टुकड़े कर दिए। फिर उसने धनुष को कान तक तानकर तीन बाण छोड़े, वे सात्यकी के कवच को फोड़कर उसके शरीर में घुस गए। साथ ही चार बाणों से उसने सात्यकी के घोड़ों पर भी वार किया। तब सात्यकी ने बड़ी फुर्ती से अपने तीखे तीरों द्वारा सुदर्शन के चारों घोड़ों को मारकर बड़ा सिंहनाद किया। फिर एक भल्ल से सुदर्शन के सारथी का सिर काटकर एक शूरप्र द्वारा उसका कुंडल मंडित मस्तक भी धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार राजा दुर्योधन के पौत्र सुदर्शन का संहार करके सात्यकी को बड़ा हर्ष हुआ। फिर वह आपकी सेना को अपने बाणों की बौछार से हटाकर सबको विस्मय में डालता हुआ अर्जुन की ओर चला। मार्ग में उसके सामने जो शत्रु आता था, उसी को वह अग्नि के समान अपने बाणों में होम देता था। उसके इस अद्भुत पराक्रम की अनेकों अच्छे-अच्छे वीर प्रशंसा कर रहे थे। अब उसने अपने सारथी से कहा, मालूम होता है महावीर अर्जुन यहां कहीं पास ही हैं, क्योंकि उनके गांडीव धनुष का शब्द सुनाई दे रहा है। मुझे जैसे-जैसे शकुन हो रहे हैं, उनसे यही निश्चय होता है कि ये सूर्यास्त से पहले ही जयद्रथ का वध कर देंगे। अब तुम थोड़ी देर घोड़ों को आराम कर लेने दो, फिर जिस ओर शत्रुओं की सेना है तथा जिधर दुर्योधन आदि राजा एवं काम्बोज, यवन, शक, किरात, दरद, बर्बर, ताम्रलिप्तक तथा अनेकों मलेच खड़े हुए हैं, उधर ही रथ ले चलना। ये सब मेरे साथ ही युद्ध करने की तैयारी में हैं। जब रथ, हाथी और घोड़ों के सहित इन सब का संहार हो जाए, तभी तुम समझना कि हमने इस दूस्तर व्यूह को पार किया है। सारथी ने कहा, वार्षणेय, यदि क्रोध में भरे हुए साक्षात परशुराम जी भी अब आपके सामने आ जाएं, तो मुझे कोई घबराहट नहीं होगी। इस गौ के खुर के समान तुच्छ संग्राम की तो बात ही क्या है? कहिए, अब किस रास्ते से मैं आपको अर्जुन के पास ले चलूं? सात्यकी ने कहा, आज मुझे इन मुंड लोगों का संहार करना है, इसलिए तुम मुझे काम्बोजों की ओर ही ले चलो। गुरुवर अर्जुन से मैंने जो अस्त्र विद्या सीखी है, आज मैं उसका कौशल दिखाऊंगा। जब मैं क्रोध में भरकर चुने-चुने योद्धाओं का वध करूंगा, तो दुर्योधन को यही भ्रम होगा कि इस जगत में दो अर्जुन हैं। महात्मा पांडवों के प्रति मेरी जैसी प्रीति और भक्ति है, उसे इन राजाओं के सामने सहस्त्रों वीरों का संहार करके मैं प्रकट करूंगा। आज कौरवों को मेरे बल, वीर्य और कृतज्ञता का पता लग जाएगा। सात्यकी के ऐसा कहने पर सारथी ने बड़ी तेजी से घोड़ों को हांका और तुरंत ही उसे यवनों के पास पहुंचा दिया। जब उन्होंने सात्यकी को अपनी सेना के समीप आया देखा, तो वे बड़ी सफाई से बाणों की वर्षा करने लगे। किंतु सात्यकी ने अपने तीखे बाणों से उनके बाण एवं अन्यान्य अस्त्रों को बीच में ही काट दिया और वे उसके पास तक फटक भी न सके। इसके बाद वह बाणों की वर्षा करके उनके सिर और भुजाओं को काटने लगा। वे बाण उनके लोहे और कांसे के कवचों को फोड़कर शरीरों को छेदते हुए पृथ्वी पर गिरने लगे। इस प्रकार वीर सात्यकी के मारे हुए सैकड़ों मलेच प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर गए। वह धनुष को कान तक खींचकर जो बाण छोड़ता था, उनसे एक-एक बार में ही 5-5, 6-6, 7-7 और 8-8 यवनों का काम तमाम कर देता था। इस प्रकार उसने हजारों काम्बोज, शक, शबर, किरात और बर्बरों को धराशायी करके रणभूमि को मांस और रक्त से लथपथ तथा अगम्य सी कर दिया। सात्यकी के बाणों से मरे हुए उन वीरों से सारी पृथ्वी भर गई।
उनमें से जो थोड़े से योद्धा बचे, वे प्राण संकट से भयभीत होकर रणांगण से भाग गए। राजन, इस प्रकार काम्बोज, यवन और शकों की दुर्जय सेना को भगाकर सात्यकी आपके पुत्रों की सेना में घुस गया और उन्हें भी परास्त करके सारथी को रथ बढ़ाने का आदेश दिया। उसे अर्जुन के समीप पहुंचा देखकर आपके सैनिक और चारण लोग बड़ी प्रशंसा करने लगे। इतने में ही आपके पुत्र दुर्योधन, चित्रसेन, दुशासन, विविंचति, शकुनी, दुस्सह, दुर्धर्षण और क्रत ने उसे पीछे से जाकर घेर लिया। सात्यकी को इससे तनिक भी भय नहीं हुआ और वह अर्जुन से भी बढ़कर कुशलता दिखाता हुआ उनके साथ युद्ध करने लगा। अब राजा दुर्योधन ने 3 बाणों से उसके सूत और 4 से चारों घोड़ों को बींधकर सात्यकी पर पहले 3 और फिर 8 बाणों से वार किया तथा दुशासन ने 16, शकुनी ने 25, चित्रसेन ने 5 और दुस्सह ने 15 बाणों से उस पर चोट की। इस पर सात्यकी ने मुस्कुराते हुए उन सभी को 3-3 बाणों से बींध दिया, फिर शकुनी के धनुष को काटकर 3 बाणों से दुर्योधन की छाती पर वार किया तथा चित्रसेन को 100, दुस्सह को 10 और दुशासन को 20 बाणों से घायल कर दिया। उसके बाद उसने प्रत्येक वीर के 5-5 बाण और भी मारे तथा एक भल्ल से दुर्योधन के सारथी पर प्रहार किया। इससे वह प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर गया। सारथी के मारे जाने पर घोड़े हवा से बातें करने लगे और उसके रथ को संग्राम भूमि से बाहर ले गए। यह देखकर आपके अन्य पुत्र और दूसरे सैनिक भी मैदान छोड़कर भाग गए। इस प्रकार आपकी सब सेना को तितर-बितर करके वह फिर अर्जुन के रथ की ओर ही चला। किंतु वह कुछ ही आगे बढ़ा था कि दुर्योधन की आज्ञा से संक्षप्तकों के सहित वे सब योद्धा फिर लौट आए। स्वयं दुर्योधन उनके आगे था। उसके साथ 3,000 घुड़सवार तथा शक, काम्बोज, बाहली, यवन, पारद, कुलिंद, तंगण, अम्बष्ट, पैशाच, बर्बर और पर्वतीय योद्धा हाथों में पत्थर लेकर बड़े क्रोध से सात्यकी की ओर दौड़े। दुशासन ने इसे मार डालो ऐसा कहकर सबको उत्साहित किया और सात्यकी को चारों ओर से घेर लिया। इस समय हमने सात्यकी का बड़ा ही अद्भुत पराक्रम देखा। वह अकेला ही बेखटके उन सबके साथ संग्राम कर रहा था तथा रथ सेना, गज सेना और घुड़सवारों के सहित उन सभी अनारियों का संहार करता जाता था। जब वे मार खाकर भागने लगे तो उनसे दुशासन ने कहा, अरे भागते क्यों हो? तुम लोग तो पत्थरों की मार मारने में बड़े कुशल हो। सात्यकी तो इससे सर्वथा अनभिज्ञ है, इसलिए तुम पत्थर बरसाकर इसे मार डालो। यह सुनकर वे फिर सात्यकी पर टूट पड़े और हाथी के सिर के समान बड़ी-बड़ी शिलाएं लिए उसके सामने आए। कोई उसे मार डालने के लिए गोफनिया लेकर सब ओर से मार्ग रोककर खड़े हो गए। उन्हें शिला युद्ध करने की इच्छा से आया देख सात्यकी ने बाण बरसाना आरंभ किया। फिर उन्होंने जो भयंकर पाषाण वर्षा की, उसे सात्यकी ने अपने बाणों से छिन्न-भिन्न कर दिया। उन पत्थरों के रोड़ों से आपकी ही सेना मरने लगी और उसमें बड़ा हाहाकार होने लगा। बात की बात में 500 शिलाधारी वीर अपनी भुजाओं के कट जाने से प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर गए। अब अनेकों व्यातमुख, अयोहस्त, शूलहस्त, दरद, तंगण, खस, लंपाक और कुलिंद योद्धा सात्यकी पर पत्थरों की वर्षा करने लगे। किंतु युद्ध कुशल सात्यकी ने बाणों की बौछार से उनके पत्थरों को भी टुकड़े-टुकड़े कर दिया। उनके बजरी की चोट भौरों के डंक के समान जान पड़ती थी। उससे पीड़ित होकर मनुष्य, हाथी और घोड़े संग्राम भूमि में टिक न सके। जो हाथी मरने से बचे थे, वे खून से लथपथ हो गए
तथा उनके मस्तकों की हड्डियां टूट गईं। इसलिए वे भी अकेले सात्यकी के रथ को छोड़कर संग्राम भूमि से भाग गए। आपके जो पुत्र सात्यकी से लड़ने आए थे, वे भी उसकी मार से घबराकर द्रोणाचार्य जी की सेना में जा मिले, तथा जिन रथियों को लेकर दुशासन ने धावा किया था, वे सब भी भयभीत होकर द्रोण के रथ की ओर दौड़ गए।